जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड हाय मॉर्निंग। राधिका। हेलो राधिका जी। हाय हाय मन। हाय स्नेहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और क्या हाल है सबका? सब सब फर्स्ट क्लास। कल आपको एंड के लाइव में मिस किया, कौन सा दोपहर रात वाला? अरे के। यार, आई वाज लाइक मैं 7 घंटे शॉपिंग कर रही थी। वही हम कह रहे थे। ओह माय गॉड, रिटेल थेरेपी। हाँ मतलब सच में, जैसे क्योंकि पहले एक मॉल में हस्बैंड और बच्चों को लेके गई, फिर दूसरे मॉल में मम्मी को लेकर गई, चलो शॉपिंग शॉपिंग। हाय आयशा। आयशा भी हैं, वो बड़े दिनों बाद लाइव में देख रही हैं। हाय आयशा, जल्दी वापस हाय आओ। एवरीवन। हमारे सिडनास फैंडम हाय देववीर बोलते स्नेहा जी, आपको देख लिया थोड़ा। सुबह सुबह देखने लायक शक्ल नहीं है। नाउ यू आर लुकिंग गुड। या चलो हम शुरू करते हैं, हम विल आगे स्टार्ट बढ़। हाँ टुडे। आई हैव नो प्रॉब्लम विद द टाइम, वी कैन कंटिन्यू। ऐसा हाँ नहीं कि 8:30 बजे भागना। हाँ सॉरी। कल तो था, मेरा भी था, मेरा भी टाइट था। ठीक है। आई हाय थिंक वी एवरी। स्टार्टेड विद दैट टनल टास्क का जो हाँ अनाउंसमेंट होता है ना, वहां किया था टनल फर्स्ट। टास्क शुरू हो गया। आई थिंक एक सेकेंड। फर्स्ट इज खेसारी का प्लेट टूट हाँ गया। ओके और यहाँ पे सब लोग बारी बारी करके मासी, मैन दिस नेम्स, वो कंफ्यूजन बिकॉज मैं मेरे नोट्स में इनिशियल्स अलग लिखती हूँ और बोलना अलग होता है। तो ओके तो सब लोग बारी बारी से आके मासी को अपना अपना बोल रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो, टिप्पणियां दे रहे हैं। और क्या कहते हैं, मसला आती है, यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। मसला आती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शहनाज और सिद्धार्थ का प्लेट तोड़ दो। वहां पे एपिसोड, और वही सीन से एपिसोड पिकअप होता है। फिर से टास्क स्टार्ट होता है, फिर सब लोग टनल्स भरना शुरू करते हैं और फिर से वो राक्षस की आवाज आती है और फिर से मासी बाहर आता है और फ्लॉक की स्टार का प्लेट तोड़ देता है और बोलता है कि ये सूटेबल नहीं है कैप्टनसी के लिए, ये बीमार रहती है, चुप चुप रहती है, इनको अभी और थोड़ा खुलना पड़ेगा, क्या व्हाटएवर व्हाटएवर। खुलना चाहिए। हाँ हाँ सो अभी यहाँ पर ये वो लोग अंदर बैठे हुए होते हैं, मोमो और ओएमजी ब्रो के टनल में बैठे हुए होते हैं। तो सिद्धार्थ बोलता है ये अलाउड नहीं है, ये रूल अकॉर्डिंग नहीं है, व्हाटएवर। तो यहाँ पे रावण और सिद्धार्थ की लाइक बहस होती होती है है। फिर एंड वो देन अंदर रूल बुक लेकर आता रूल। है, सच अ किड, एंड ही मेक्स श्योर। फिर रावण बोलता है हाँ हाँ सही है सही है, फिर उनको बाहर निकालता है रूल बुक में। अभी यहाँ पे शुरू होता है, मतलब यहाँ पे अगर ब्रो की असलियत देखनी है, ये टास्क में देखना है, और उस मतलब उसका क्या एक्चुअल में वो क्या बंदा है, उसका क्राई बेबी, उसका च्युइंगम, उसका ग्रजेस, उसका सेल्फिशनेस, उसका सेल्फ सेंटर्ड, उसका एंगर, उस एंगर नहीं, उस उसका टेम्पर, ये सारी चीजें, एवरीथिंग बट लॉयल्टी, एवरीथिंग बट फ्रेंडशिप, ही डिड नॉट हैव एन दोज टू थिंग्स फॉर श्योर, एंड ही डिड नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर सिद्धार्थ। सो ये टास्क, ये वाले हफ्ते में ब्रो की एक्चुअल पर्सनैलिटी बाहर आती है। सो ऑलराइट, सो यहाँ पे ब्रो अपना बाबू चालू हो जाता है रोने पहले ही कि मुझे पहले कुछ, बिकॉज वो बाहर निकल ही नहीं पाता है। एंड ऑब्वियसली उन्होंने किसी ने भी मासी का टनल
नहीं पता था। भरा हुआ नहीं था, तो आसानी आसानी से आ रहा था, तो उसको चिढ़ मच रही थी, बिकॉज उसको था कि सब लोग मुझे पूछे, जैसे अब्दुल्ला का था वैसे इसको था. सो नाउ ही स्टार्टेड टू कम अप विद रीजंस बिफोर समवन ब्लेम्स हिम. ही ओनली ही इज टायर्ड एंड वो यहाँ पे चालू होता है सिद्धार्थ के ऊपर, तुम लोग ट्राई नहीं कर रहे हो ये वो. और यहाँ पे मोमो बकवास का पोक कर रही है सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ को या है ना. आपको कुछ ऐड करना है? ना 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 ना, शी वाज जस्ट ट्राइंग टू पोक, मतलब हाँ, वही पोक हिम. उसको। हाँ, और यहाँ पे लाइक मसला भी आ जाती है उसको पोक करने के लिए. सो जस्ट इट्स जस्ट अनदर सेम सेम शिट डिफरेंट डे, दिस इज आल्सो द सेम थिंग. ओके, सो हाँ, यहाँ पर थोड़ा लाइक टनल के इस तरफ, ऑन द अदर साइड ऑफ द राक्षस, मसला कांटा पे चालू हो जाती है चिल्लाना, और कि धीरे बात करो धीरे बात करो. और यहाँ पे मसला कांटा के हिप्स पे हाथ लगा के उसको थोड़ा पुश शी करने, पुश करती है, हो गया, कांटा उसकी उसकी बजाती है, बहुत अच्छे से बजाती है. और यहाँ पे देखना, मोमो शी ट्राइज टू बी द पीस मेकर, बिकॉज मोमो अभी कांटा को देख रही है कि कांटा को लाना है इस तरफ, या मतलब दोनों की लाइक पट्टी नहीं है, लेकिन मोमो को पता है ये स्ट्रॉन्ग बंदी है, ये हमने बात करी थी नॉमिनेशन के दिन. तो यहाँ पे मतलब उसको उनको अलग करके, सेपरेट करके थोड़ा वो सॉफ्टन करती है पूरा. और फिर सिद्धार्थ आता है आई थिंक वहां पे, सिद्धार्थ को बोलती है गंद की बदबू आ रही है तेरे मुंह से, ऐसे कुछ बोलती है सिद्धार्थ को. हाँ, ओके okay? सिद्धार्थ उसको थोड़ा कुछ चिल्लाता है, तो देन शी हाँ. पिक्स अप। तो ओके, यहाँ पे ब्रो और मतलब ये तीनों राक्षस कुछ तो बातें कर रहे हैं कि अबाउट अबाउट द टास्क ओनली. सो ब्रो बोलता है मासी को कि शहनाज और मसला का तोड़ दो प्लेट. ओके, सो ब्रो डिड नॉट वॉन्ट टू बी वॉन्ट शहनाज टू बी द कैप्टन. तो यहाँ पे ये पैचअप के बाद उसकी मस्त खिलफ गई थी. उसका वैसा हो हाँ गया था ना कि मैंने इतना मेहनत किया, मतलब इनको क्या लगता है कि जब से उनका सुन रहा है, उनका उनको ऐसा लगता है कि हम वो उनके पॉकेट में आ रहे हैं, बट वैसा नहीं होता। एक सब कोई किसी का फॉर एवरीबडी, जब भी आप कोई चीज खेलो या कोई मीटिंग में भी हो, व्हेन समबडी इज लिसनिंग टू यू डजंट मीन ना कि वो आपकी बात से सहमत भी है। या वो आपके नीचे है. हाँ, he is just allowing you to give some, like, मतलब वो आपको टाइम दे रहा है कि आप अपने थॉट्स रख सको आप उसके सामने, बट उसके वजह से आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे ब्रो का यही प्रॉब्लम था कि ही वाज थिंकिंग कि सिड ने मेरी सुन ली, फिर भी सिड ने अपनी की, तो उसको उस चीज से चिढ़ मची हुई थी। सबको सिड को अपने पॉकेट में रखना था। हाँ, सब बॉयज को था और सब गर्ल्स को था कि गर्ल्स को भी। ये मेरा पति बने शो के लिए. ये मेरा बेस्ट कनेक्शन बने, बिकॉज मैं बोलू कहीं ना कहीं रावण ने सबके दिमाग में डाला था कि ये शो कनेक्शन से स्टार्ट हुआ है, एंड भी कनेक्शन से होगा, सो द पर्सन हु हैव द बेस्ट कनेक्शन विल विन। ओ मैन, ये आज का दिन बहुत वो है यार, बहुत बहुत है, फटाफट हम लोग थोड़ा फटाफट करेंगे। करते हैं. या ओके, यहाँ पे फिर शुक्ला जी और मासी की बातें होती हैं. और यहाँ पे लाइक मासी फिर से ही स्पीक्स फ्रॉम टू साइड्स ऑफ हिज माउथ. पहले बोलता है कि आई विल ब्रेक जहाँ पे गेम आगे बढ़ सकती है, फलाना फलाना, मतलब वो दिखाना चाह रहा है कि मैं भी बिग पिक्चर देखता हूँ, मैं भी तेरे जैसा ही हूँ, मैं भी बहुत लॉजिकल हूँ एक्सेट्रा. एंड यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है कि मोमो का तोड़ दे. तो ही सेड मैं तो आपका भी तोड़ना चाहता हूँ. एंड ही सेड हाँ, तो ये गेम ऐसा नहीं है, तू तू दो नाव में तैर नहीं सकता है. तो वो सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बोलता है पॉइंट सिद्धार्थ टू उसको, पॉइंट बोलता है हाँ, कि कि यू हैव टू ट्रांक टेक वन साइड, या तुमको तुम दो साइड में नहीं। बहुत लोग करते हैं ऐसा, एंड देन
वो लोग एंड अप होते कहीं नहीं रहेंगे, इसलिए तुम एक डिसीजन लो, बी ऑन वन साइड, बी हाँ फेयर. हाँ बी फेयर एंड स्क्वेयर. एंड ही सेज लोग करते हैं, तू जानता है और मैं भी थोड़ा बहुत यू नो जानता हूँ, ऐसे बोलता है वो. सो ही नोज व्हाट्स हैपनिंग. सो फिर यहाँ पे शहनाज और कांटा बैठे हुए थे वीवो चेयर पे, और शहनाज सबके सबसे बात करके बेसिकली सबके माइंड में क्या चल रहा है वो देखती है. वो ऐसी गप्पे लड़ाने के लिए नहीं गई थी. तो वहां पे कांटा मासी के लिए बोलती है कि आप पॉजिटिव है, ये है, और बट वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम एक्सेट्रा. तो वो बेसिकली शहनाज के माइंड में डाल रही है कि तू उसके साथ कनेक्शन मत बना अभी, ऐसे आई थिंक. फिर शहनाज बोलती है नहीं, हरी यहाँ पे शहनाज अपना इनपुट कुछ नहीं देती है, कुछ उसको नहीं देती सिर्फ, है. एग्जैक्टली हाँ, वो सिर्फ जरी का सर ये देखती है कि व्हाट शी थिंकिंग व्हाट शी इज अबाउट थिंकिंग. विशाल. हाँ तो वही तो कांटा सेज अभी उस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, वो दोनों तरफ से टीम्स उसके पीछे, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे शहना सिर्फ बोलती है हाय, ऐसे बोलती है, सो क्यूट. ओके ये अपना ये जो जर्नी वीडियो में दिखाया गया था, OMG रामलाल और मोमो बैठे हुए नीचे. ये जो OMG को ये वाला पार्ट याद था एग्जाम पेपर से कि ब्रो को प्रॉब्लम है सिद्धार्थ और शहना, मतलब सिद्धार्थ और शहना से, वो शहनाज को ट्रस्ट नहीं करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड पहले वो बोलता है कि क्यों, बिकॉज ब्रो और अब्दुल्ला की लड़ाई हुई थी. एंड ही सेड नहीं, वो नहीं, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता है शहनाज से एक्सेट्रा. ये पूरा बाहर से देखकर आए थे, बकवास लोग, इनको इतना दिमाग है नहीं, इतना दिमाग नो चलता नो है दिस नहीं. इज इवन अब्दुल्ला टोल्ड वंस टू OMG दैट ब्रो डजंट ट्रस्ट सना. हाँ वो तो रिमेंबर फारा वाले, दिवाली वाले दिन. हाँ, हाँ दिवाली वाले दिन. एग्जैक्टली. तो अब्दुल्ला का तो ये OMG का तो यही काम था कि हाँ थोड़े से उनके टीम के इनपुट्स लेने अब्दुल्ला से. हाँ एग्जैक्टली. ये OMG और अब्दुल्ला पहले से ही थे एलाइज, इधर का उधर, उधर का इधर, बिकॉज वो किधर भी नहीं थे. करेक्ट. एंड सिद्धार्थ फिर बोलता भी है उसको कि तुम हाँ जैसे ही OMG वापस आई, तुम वापस उसके पास चली वापस गई. चली गई. हाँ तो यहाँ पे मोमो बोलती है लाइक रामलाल बोलता है कि अभी इसको देखो, ये अभी ओपन ही नहीं हुआ है गेम, इसको देखो अभी, एंजॉय करो, ऐसे कुछ बोलता है. तो बट आई विल से रामलाल वॉज बैंग ऑन हिज स्ट्रेटजी दिस वीक. ही वाज एब्सोल्युटली उसको था दिमाग, बट मोमो का ईगो भी था ना. तो हाँ, फिर यहाँ पे मोमो बोलती है हम इन इनका सब करवा के हम वी विल कम आउट ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग. वो बोलती है मैं, OMG, रावण और रामलाल, मसला का तो मुझे नहीं पता. तो एंड ओके तुम्हारा भी नहीं पता. ही शी इज सो कनिंग. उसने हाँ रामलाल को जितना यूज किया है ना, किसी ने नहीं किया. बोलती है तुम्हारा मसला का पता नहीं, तुम लोग आगे जाओगे नहीं, हम लोग हाँ जाएंगे आगे. हम लोग आगे जाएंगे. हाँ ओके सो ये क्लासरूम यहाँ पे एक अनसीन है, बट अभी हम अनसीन्स का नहीं खोलेंगे. लाइक पिटारा अनसीन्स बहुत है इस हफ्ते. नहीं, एपिसोड में है, ग्लास रूम में, जब हाँ नहीं सिद्धार्थ नहीं और बट शहनाज बैठ. राइट, बट दिस वन मोर सीन बिफोर दैट, सो वो छोड़ो. यहाँ पर तो लाइक मासी इज वॉकिंग आउट, उससे पहले वही है ना वो जो भूत वाला सीन जो वो एनएक्ट करता है. हाँ, सिद्धार्थ ये मेरे को मनाने आई थी, नहीं बिकॉज कोई कोई लोग बोलेंगे वहां पे अनसीन था, अनसीन था, तो हम वो बाद में बात करेंगे. हाँ, वो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था जो विशाल को हाँ बोल रहा था कि वो मुझे एक दिन मनाने आए थे, मैं डर गया था एंड ऑल. ओके तो यहाँ पे शहनाज बड़ी चंट है, वो मुमासी को पूछते ते को तेल सर पे तेल लगाना आता है. ही सेड हाँ मैं लगा दूंगा. नो तो शी नोज एग्जैक्टली, और शी थ्रोज लाइक अ पिलो एट एट सिद्धार्थ, बिकॉज चंपी हुई थी भाई शुक्ला की, तो सेम टू सेम चल रहा है.
तू करवा सकता है किसी और से, तो मैं नहीं करवाऊँ, मम्मी वो भी कराएगी, मासी तू से देख तो सक। यहाँ पे शुक्ला जी पूछ रहे थे को क्या लगता है मासी के बारे में, अच्छा लड़का है? ही सेड हाँ मुझे भी पॉजिटिव लगता है ऐसे। यहाँ पे वन वन क्रिटिकल थिंग वी शुड टॉक अबाउट कि शहनाज बोलती है मेरे साथ किसी ने बात ही नहीं की जब मैं तेरे साथ बात करना शुरू करी, और मुझे फन चाहिए यार, मेरे से फन करो, ये सब बातें मत करो। तो यहाँ पे शहनाज सॉरी सिद्धार्थ बोलता है बट स्वीट हार्ट दिस इज नॉट नॉर्मल, ऐसे बोलता है उसको कि आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। तो वो कहती है मैं हर्ट हो गई थी, तो यहाँ पे एकदम मुद्दे की बात बोलता है सिद्धार्थ उसको कि आप आपसे तुमसे छोटा यहाँ पे कोई है, उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा है तुम ये सब करने से, तो डोंट डोंट डू दैट। फिर मुझे यहाँ पे सीन कट लगा, ओके, बिकॉज आई थिंक दे टॉक्ड बहुत अब्रप्टली। फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ पे कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे पीठ पीछे बात करती हो या ये करती हो, जैसे वो यू नो विलन वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ही सेड मैं तेरे पीछे बात नहीं करती, मैं तेको सिर्फ इरिटेट करने करती हूँ। तो देन ही इज सेइंग, वो अपना बोल रहा है कि इसके साथ तेरे साथ इसके साथ जो जो रिलेशन था जो नहीं है, और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तू मेरे को ऐसी बात बोले, तो ऐसे कुछ बोलता है। सो व्हेन ही सेज रिलेशन था और नो रिलेशन है ऐसे कुछ बोलता है, ही टॉक्स अबाउट रिलेशन। सो दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ही इन हिज माइंड वो ही लाइक यू नो कंसिडर्स दैट देर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड शहनाज। वो वहां पे उसने ऑफ कोर्स वो बहुत तोल मोल के बोलता है और कैमरास हैं तो वो खुलासा नहीं करेगा ये वो, बट ये ऐसी छोटी छोटी चीजें पिक करनी जरूरी है बिकॉज सबको था कि कन्फेशन करेगा वो तो होने से रहा, बट यहाँ पे वो वही कह रहा था, ही जस्ट कंफर्म दैट इनका वो है रिलेशन। एंड सो वो जो विलन वाली बात उसने खुद पे ले ली। फिर यहाँ पे बहुत एडिट हुआ है सीन, बहुत एडिट हुआ है। बट इफ यू सी यहाँ पे वेरी नाइसली ही मेक्स हर अंडरस्टैंड कि व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हर इन दिस गेम। मैं वो बोलता है मैं नहीं चाहता तुम मेरे पीछे पूंछ बन के चलो, बट बी देयर विद मी, एज अ टीम हाँ एब्सोल्युटली। और फिर बिकॉज यहाँ जब से इन लोग दोनों की दोस्ती हुई है ही इज फेसिंग ऑल द क्या बोलते हैं, अपनी टीम की तरफ से भी उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है कि तूने उसको वापस लिया, बैकलैश मिल रहा है, तो बस वो उतना ही एक्सपेक्ट करता है ऐसे कि तू मेरे साथ रहे, मैं गेम में तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा बट देयर बी देयर विद मी, बिकॉज उसने पूरे टीम से पंगा, उसको पता था वो टीम टूट रही है, उसने पूरे टीम से पंगा लिया है तो अब मत पलटना। तो वो यहाँ पे शहनाज भी कंफर्म करती है कैमरास के सामने कि उसको फ्लॉप की स्टार से कोई लेना देना नहीं है और ना ना वो मेरी कंपटीशन है। और तो इसे ठीक है ना, फिर वो वाली बात होनी नहीं चाहिए तो वो करना ही नहीं चाहिए ऐसे। सो ठीक है, यहाँ पे कट होता है। यहाँ पे बहुत अच्छी कम शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई थी ये क्लासरूम में। ठीक है, यहाँ पे डे खत्म होता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर खलनायक सॉन्ग चालू होता है और यहाँ पे अब्दुल्ला जाके कैप्टन रूम में जाके कांटा के साथ डांस करती है। पता नहीं क्यों मुझे ये मैंने नोट में लिखा, बिकॉज उन्होंने ये दोनों ने मिलके ये स्प्लिट करवाया है जो ब्रो का और इसका हुआ है, और वहां से तड़का दिया है मोमो ने एंड ओएमजी ने। ऑफ कोर्स मतलब अब्दुल्ला ने मुझे लगता है अब्दुल्ला ने ओएमजी के कान भरे एंड साइमल्टेनियसली कांटा के भी कान भरे इनको स्प्लिट करने के लिए आफ्टर पैचअप। आई फील स्ट्रांगली। ठीक है, तो उनकी यहाँ गेम उनके हिसाब से चल रही थी, दे वर हैप्पी दे वर बिकॉज हैप्पी उनकी उनके गेम उनके हिसाब से चल रही थी, व्हाट दे हाँ आर डिसाइडिंग
उनके हिसाब से प्रॉपर जो उनको उन्होंने जो मोहरे फेंके थे, जो या बोलते हैं ना कि सब सब परफेक्ट चल रहा था उनके हिसाब से. परफेक्ट एग्जैक्टली ओके. सो यहाँ पे मैन किचन की पॉलिटिक्स कांटा, फिर रावण बर्तन करने बोलती है तो कहता है नहीं डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, उसका उंगली की वजह से वो नहीं कर सकता ये वो मनुष्यत ये वो, फिर से वही किचन पॉलिटिक्स चालू हो बिल्कुल. जाता है. ओ माय इफ यू गॉड. सी काटा ओवर हियर, तो किसी और को भी ये ड्यूटी दे सकती थी, बट हाँ उसने वो ड्यूटी सिर्फ सना को एंड मसला को दी, जो मसला ने या की भी नहीं, सिर्फ उधर बैठ के चैन वहां चैन पे से चेक शहनाज किया. ही कर रही थी, शहनाज ही कर रही थी बर्तन. एंड देन अब्दुल्ला ज्वाइन हर. हाँ यहाँ पे कांटा पोक उसका आ जाता है, मतलब शाम की और सवेरे की बर्तन वाली ड्यूटी शहनाज को दी थी. शहनाज को बहुत हैवी हैवी काम मिलता था, बहुत हैवी काम देते थे ये लोग. बहुत मतलब एनीवे अभी वो उनका गेम है, उनकी उनकी असलियत वही है, बकवास. बट यहाँ पे काटा पोक करती है मसला और शहनाज को और शहनाज को ये पता लग रहा है कि ये पोक कर रही है यहाँ पे. फिर चिरकुट आके मसला को हक करता है बेटा बेटा कुछ करके. फिर शहनाज वॉक्स आउट ऑफ देयर. और बाहर वो जब जाती है, मैंने ये नोटिस किया जब चिरकुट बात कर रहा है मसला से, पीछे शहनाज इज टेलिंग सिद्धार्थ, बिकॉज आई थिंक सिद्धार्थ स्मोकिंग रूम से बाहर आ रहा था, उसने बात करी है शहनाज से कि क्या मुद्दा बन रहा है, बिकॉज वो इरिटेट होके बाहर जाती है शहनाज. तो नाउ सिद्धार्थ नोज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. दिस आई सॉ इन द मिरर. मैं भी देख लेती हूँ बीच बीच में मिरर. हम सबको देखना चाहिए मिरर में. सिर्फ लोगों को नहीं देखना चाहिए, मिरर में भी देखना चाहिए क्या हो रहा है. फिर यहाँ पे वो सीन होता है जहाँ पे अब्दुल्ला और शहनाज आके बर्तन कर रहे हैं और मसला और कांटा का फिर से चालू होता है कि कांटा बोलती है तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया. वो जो उसकी पाप की पोटली थी ना वीकेंड का, वो उठाती है का मुद्दा और शहनाज उसको बोलती है मायरा चुप कर यार, ऐसे बोलती है मतलब कि एंड दिस, दैट इज व्हाट शी इंटेंडेड. बस मसला उसको बस मिल गया. फिर वो शहनाज तू कौन होती है मुझे बोलने वाली, तू ये है, तू चार बर्तन धोके महान मत बनो ये वो, फिर चालू हो जाती है. फिर यहाँ पे अपनी अब्दुल्ला मैडम का ट्रैक अलग है ना, अभी वो सिद्धार्थ के गुड बुक्स में रहना है बिकॉज उसको ब्रो को उसकी गेम अलग है, उसकी गेम बड़ी है. तो वो यहाँ पे शहनाज को सपोर्ट करके मसला के अगेंस्ट मसला को कुछ बोल देती है बिकॉज उसको पता है कि शहनाज तो अपने जेब में ही है ऐसे लगता है हमको. तो फिर यहाँ पे रावण बोलता है कि अच्छा ब्रो और सिद्धार्थ तो कोई बर्तन की ड्यूटी नहीं करते ये वो ऐसे वैसे. सो एनीवे तो पूरा फिर से सिद्धार्थ का नाम लिया, सिद्धार्थ बाहर आ गया और शहनाज यहाँ पे बर्तन कर रही है. तो पूरा फिर से चालू, फिर से फिर उनको सिद्धार्थ को बाहर लाना था वो आ गया. फिर शहनाज बोलती है कि फेयर रहो अगर कोई बीमार है, मतलब शी वॉज टॉकिंग अबाउट रावण कि अगर कोई बीमार है उससे टास्क मत करवाओ. फिर यहाँ पे मासी आता है बीच में, मत करो ये सब वगैरह वगैरह. फिर रावण और शहनाज की के बीच में लड़ती है, लाइक लड़ाई चालू होती है. फिर वहां पे शहनाज बोलती है तू स्पून बन गया है उसका और मैनेजर, मैनेजर. बिकॉज इफ तो यू सी प्रॉपरली मसला क्या करती है, सुबह सुबह फाइट चालू करती है. एंड हाँ जब अब्दुल्ला बोलती है ना हम लोग चार बर्तन नहीं धोते, इतना धोते, तो देन शी डोंट हैव, मतलब उसके पास कोई मुद्दा नहीं है कुछ रिटर्न बोलने के हाँ लिए. तो फिर शी हैज लॉस्ट द प्लॉट. अब उसको हाँ सेव करने के लिए उसका मैनेजर तो बीच में कूदेगा ही, हाँ जैसे बाहर उसका एक मैनेजर है जो उसकी हर एक हाँ जस्टिफिकेशन में कूद जाता है, वैसे वहां पे भी उसने एक मैनेजर रखा था. और यहाँ पे वो रावण को बोलता है बिकॉज ये मुद्दा सिद्धार्थ और ब्रो का था ही नहीं, ये बर्तन का मुद्दा था, ये कुछ और चल रहा था.
और वो सिद्धार्थ बाहर आता है, यहाँ पे 1-to-1 सिद्धार्थ टेल्स रावण, मुझे तेरे टॉपिक में मतला, कीप योर टॉपिक टू योरसेल्फ, सीधा बोलता है, धीरे बोलता है, सीधा बोलता है उसको। फिर रावण की किलस्ती है, रावण को भी ईगो है भाई, मेल ईगो, शोवनिस्टिक ईगो, वो बाहर जाता है और उसका पूरा भड़ास शहनाज पे निकालता है। तू दल बदलू है, तू बिन पहनदे की लोटी है, तू ये है, ते जेलसी फिर से चालू। एंड वो बाहर जो टॉपिक है, तू टिकती नहीं है एक जगह, तू क्या बोल रही थी कि तू सिद्धार्थ का वो करेगी, उसकी असलियत बाहर लागी क्या? He's like, मैंने मैंने सबके सामने बोला था, मैं किसी के पीछे नहीं बोलती। दिस वॉज ब्यूटिफुल अबाउट शहनाज। गेम में भी उसने सिद्धार्थ के लिए पीठ पीछे कभी किसी के साथ बात नहीं की, दोनों ने नहीं की। सिद्धार्थ ने जो भी रावण किया, ओवर ईयर, सॉरी टू कट यू, रावण ओवर नो ईयर नो वाज ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इनटू शहनाज माउथ शहनाज कि माउथ, तूने इसके एग्जैक्टली। बारे में कुछ बोला था, कि उसको पता था कि ब्रो आसपास में ही था, उधर ही था, हाँ और वो हाँ सुने और वो भड़के। भड़के। ओके आप वो ओके कंटिन्यू तो करो, हाँ वो लोग दोनों एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते। हाँ हाँ तो बस वही था कि दे डोंट टॉक, दे नेवर टॉक। गेम में बोल रही हूँ मैं, पर्सनल तो ये लोग बातें करते ही नहीं थे एक दूसरे के बारे में किसी और से, बट गेम में भी उन्होंने कभी बात नहीं की पीठ पीछे। सो ओके रामलाल और मोमो बोलते हैं कि ये मतलब देयर इन द किचन। ओके ब्रो उधर है और ब्रो को मोमो बोलती है, हाँ बेबी वी नो, उसको मतलब बहुत प्यार से, जैसे अभी मोमो बनी मम्मी, अभी अभी वो ब्रो की मम्मी बन रही है, और बोलती है कि हाँ शहनाज के बारे में बात कर रहे हैं कि वो किसी की भी नहीं हो सकती, ये मोमो डालती है ब्रो के माइंड में। ओके सबको शहनाज की, शहनाज से फटी पड़ी थी, तो सब लोग पीठ पीछे बस चुगलियां ही कर रहे थे। ये मोमो खुद को अपने अपने आप को बड़ा स्टार समझती है, कुछ नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी फुसकी बॉम्ब है, उसमें कुछ नहीं है, शी इज एन इनसिक्योर, एनीवे व्हाटएवर, शी इज एन इनसिक्योर इंडिविजुअल, लेट मी जस्ट से दैट। यहाँ पे मोमो इज इनवाइटिंग आसे, कम टू माय हाँ किंग, हाँ एग्जैक्टली उसको बेबी बेबी बुला के, हाँ यू वांट लॉयल्टी, वी विल गिव यू द लॉयल्टी, वी विल मेक यू द हाँ किंग, कम ऑन दिस साइड। या यहाँ से एग्जैक्टली इफ यू सी आसिम गेट्स द स्ट्रेंथ कि मोमो ने इतनी पॉजिटिवली मेरे से बात की, सो हाँ आई हैव अ चांस कि इफ मैं अपना टीम बनाऊं तो आई विल गेट, मतलब उसको मोमो का सपोर्ट मिलेगा, तो उस वजह से उसकी हिम्मत बढ़ गई। देखने जाएंगे बढ़ तो गई थी, यहाँ पे हाँ आफ्टर दिस टू सेंटेंसेस ऑफ शुगर कोटिंग। बिकॉज इफ यू ऑल रिमेम्बर स्नेक्स एंड लैडर्स में, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। स्नेक्स एंड लैडर्स में आपको याद है वो मोमो से जाके बात करता है, आपने मुझे सपोर्ट नहीं क्यों नहीं किया, आपने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया। फिर वो वहां पे बोलती है, हाँ मेरी जान, मैं आप सब लोग टास्क में थक जाते हो, ये वो, वहां पर भी वो उसने बहुत सॉफ्ट से बात करी थी ब्रो से, और अभी उसको अच्छा मौका मिल गया वो करने का, टू कम बैक एंड मेक ब्रो फील पैसिफाइड। एंड ब्रो इज अ क्राई बेबी, ही इज अ क्राई बेबी, ही इज लाइक अ लिटिल ब्रैट, मतलब वो, मतलब मेरी है तो मेरी है, मैं मेरा टॉय है तो मेरा टॉय है, ही इज लाइक अ स्पॉइल्ड ब्रैट एंड अ रूड वन एट दैट। ओके सो शहनाज और विशाल बाहर चलते हैं, विशाल को सॉरी मासी को बोलती है चलो बाहर चलते हैं। तो यहाँ पर ये असलियत दिखाई देती है बहुओं की, कितना जलते हैं ये लोग शहनाज से। सब लोग उसको उसकी लेते हैं, मसला हंस रही है, OMG हंस रही है, मोमो हंस रही है कि ओ तू तो न्यूट्रल थी ना, अभी क्या हुआ, तू ये थी ना, वो थी ना, सब लोग उसका मजाक, लिटरली मजाक उड़ा रहे हैं शहनाज का पूरा टाइम। और यहाँ पे किसी का मजाक उड़ाना डजंट मेक यू स्ट्रॉन्ग, फॉर द रिकॉर्ड, इट जस्ट शोज यू हाउ वीक, हाउ जेलस, हाउ इनसिक्योर यू आर, दैट्स इट। सो वो अपने आप को, मतलब
जैसे सिद्धार्थ ने बोला था एक दिन पहले कि वो लोग झुंड में आते हैं, दे कम इन झुंड एंड दे फील लाइक देयर इज या यहाँ पे सना आल्सो गिव्स अ पीस ऑफ एडवाइस टू ओएमजी कि तू जिसकी बातों में आके पूरी नेगेटिविटी फैला रही है ना, तू वो भी देख करके, बट ओएमजी को तो वो चीज समझ में ही नहीं आती कि व्हाट क्या हो रहा है उसको, उसको दिखे ओएमजी शी हैज वाज एंगर मैन ब्लाइंडेड हाँ नो नो नहीं शी वाज ओएमजी ब्लाइंडेड बाय मोमो एंड ओएमजी हैज एंगर मैनेजमेंट इश्यूज, उसको बहुत शी नीड्स सम थेरेपी, शीज या शी इज ऑल ओवर द प्लेस या 14 में वी कुड हैव सीन द क्या बोलते हैं ट्रेलर फॉर हर एंगर मैनेजमेंट इश्यूज. ट्रेलर नहीं पूरी पिक्चर दिखाई उसने तभी. हाँ तो तो हाँ तो या यहाँ शहनाज गोज आउट विद विशाल एंड टॉक्स टू हिम, मतलब हाँ उसको बोलती मासी है कि हाँ मासी को कि मेरी उससे दोस्ती हुई है बट आई विल बी, मैं थोड़ा सा भी स्लो जाऊंगी, हाँ हम लोग पहले जितना फन नहीं करते हैं नॉर्म. एग्जैक्टली और यहाँ पे वो कहते हैं कि काटा स्मार्ट है, वो स्ट्रॉन्ग टीम के साथ रहती है. एग्जैक्टली वो सब चल रहा है एंड वो अभी भी गेम में है, मैं गेम में नहीं हूँ ऐसे बोलती है उसको. एंड ओके सो अच्छा यहाँ पे मुझे स्नेहा आपकी हेल्प चाहिए. ये वीवो चेयर टास्क सॉरी वीवो चेयर कॉर्नर में मोमो और रावण की बातें हो रही हैं. और यहाँ पर ये वो लोग बात करते हैं कि ये टास्क ऑफ कोर्स रावण ने तो पूरा बिग बॉस ही लिखा है. और यहाँ पे वो बोलता है कि ये पूरा टास्क ही मासी के लिए है. और रावण बोलता है कि मुझे मासी की नहीं वो बोलता है कि मासी को सिद्धार्थ के सामने खड़ा होने का है, दैट इज व्हाट ही वांट्स एंड लेकिन वो हो नहीं पाएगा, वो स्ट्रांग है फलाना फलाना. यहाँ पे मोमो एकदम उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि उसको ओवरशैडो मत करो. इसी राइट्स वो उसके हैंड पे लिखती है ए करके और उस रामलाल पे. को था ना वो, रामलाल के बारे हाँ में. रामलाम हाँ नहीं वो मुझे भी उस, लगा हाँ वो ए लिखती है उसके हाथ के ऊपर और उसको बोलती है कि ये सब चीजों में बिकॉज उसको इस रामलाल को ओवर शेडो मत करना बिकॉज उसको पता चल रहा था कि फाइट इज बिटवीन सिड. सबकी बातों पे क्या हो रहा है कि सिड है विशाल है, सिड है विशाल है और रावण है, तो कहीं ना कहीं रामलाल इज मिसिंग इन ऑल दिस थिंग्स. तो हाँ वो रामलाल ए के लिए लिखती है रामलाल हाँ के लिए था मुझे कि इसको ओवर मुझे शेडो मत करना. ओके सॉरी या मुझे लगा था रामलाल के लिए बट मुझे मतलब वो बहुत सॉफ्टली बोलती है, मैंने उसका हैंड जेस्चर नहीं देखा था. नहीं नहीं सो लिखती है, मैंने मैंने 2-3 बार देखा कि क्या कर रही है उसके हाथ पे, तब देखा कि ए लिख रही है उसके हाथ पे. ओके तो यहाँ पे आता है अब्दुल्ला बजाओ मोमेंट. सो हम फटाफट इसको आगे बढ़ते हैं वरना यहाँ मैं पे बहुत देखो, यहाँ पे इफ यू सी मोमो शी इज सेइंग दैट मैं उसकी, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है, दिस दैट. किसके बारे में? रामलाल के बारे में. जब रावण बोलता है कि यू हैव, मतलब तुम लोग दोनों का अपना अपना एक रिश्ता जो भी है तुम लोग का दिखाओ बिकॉज एवरीबडी नोज कि दे आर इन रिलेशन. तो रावण बोलता है कि दिखाओ ये चीज, और ये बोलती है नहीं यार मुझे तो नेक्स्ट ईयर शादी करनी है, ये है वो है, हाँ मुझे ये सब कपड़े मतलब नहीं चाहिए ऐसे कुछ बोलती है. हाँ तुम फर्स्ट टाइम जब वो आया तो तुम ये सब ज्ञान बांट रही हो, तुम उसके साथ मतलब यू आर मोर देन फ्रेंडली विथ हिम. सेकेंड टाइम जब वो एंट्री करता है सीधा प्रपोज करता है, तो भाई तुम्हारा प्यार कब हुआ? तुम एक फर्स्ट, तुम लोग मतलब इतने झूठे हैं लोग, फर्स्ट इसमें बता रहे हो कि हम लोग दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हम दोनों का बहुत अच्छा कंफर्ट जोन है, एंड दूसरे टाइम जब वो मतलब कुछ हार्डली 3-4 वीक्स के बाद आया, तो 3-4 वीक में उस बंदे को प्यार हो गया बाहर रह के तुमसे. बकवास है ये पूरा. बट मोमो फुल ऑन उसको निचोड़ ही रही थी या रामलाल yeah. ऐसा किसी ने यूज नहीं किया होगा अपना सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का जितना मोमो कर रहे.
और सीक्रेट रूम में अच्छी बजाता है सिद्धार्थ रामलाल की. शोना मेरे से नाजिया या एब्सोल्युटली वो वही कर रहा था, वो सबका वो कर रहा था, यू नो कनेक्शन के चक्कर में ही वाज ट्राइंग टू डू अनदर स्प्लिट्स मिला. वो चाहता था कि सबके अपने अपने कनेक्शन बने, बिकॉज उसके हाँ दिमाग में, मैं बोला ना, उसने कहीं तो कोई बोला भी है ये चीज कि एंड ऑफ द सीजन में जिसका कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा वो जीतेगा. तो बिकॉज ये कनेक्शन से स्टार्ट हुआ ये थीम, तो वो अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा था, इसलिए सबको बोल रहा था अपने कनेक्शन बनाओ, अपने कनेक्शन बनाओ. इसलिए तो इसलिए ही बस स्ट्रेसिंग कि मोमो तू भी कनेक्शन बना तो ही तू टॉप 5 में जाएगी. इसीलिए उसने भी अपना वो ट्रायंगल आगे बढ़ाया. उसको पता था शहनाज उसको घास नहीं डाल रही है वीक वन से, बट वो नहीं बोलता गया चीखता गया, तो वो हाईलाइट हुआ बाय द चैनल, बिकॉज चैनल को भी वही चाहिए था, ड्रामा चाहिए था. ओके, डाइनिंग टेबल पे सिद्धार्थ, काटा, अब्दुल्ला और फ्लॉप की स्टार और सब लोग खा रहे हैं. आई थिंक अब्दुल्ला नहीं खा रही है, अब्दुल्ला बैठी हुई है बिकॉज अब्दुल्ला पहले ही खाती है, ताकि उसको डर भी होता है कि खाना खत्म ना हो जाए. तो जैसे ही वहां खाना बनता है वो अपने प्लेट में लेके खा लेती है, लेके खा वहीं लेती है, पे ही वहीं पे किचन खड़ी. स्लैब पे खड़े. या मैंने बहुत बार नोटिस किया है वो हिलती नहीं है वहां पे, मतलब उसका उसके प्लेट में उसके रोटियां चाहिए, उसके अंडे चाहिए, सब कुछ. मतलब अच्छी बजाई सलमान ने उसकी फिनाले पे कि 3 3 महीने खाना मत खिलाओ इसको. फिर टोकती थी शहनाज को कि तू मोटी हो गई है, तू मोटी है, मोटी है. ओके, तो यहाँ पे फ्लॉकी सर कुछ तो बोलती है काटा को, अगर रोटी बची थी तो अपने टीम वालों को देना चाहिए था ऐसे. यहाँ पे अब्दुल्ला बनी महान, खाने में वो टीम ये टीम नहीं करना चाहिए, अपने बंदे क्या होता है, खाने के सामने ये सब नहीं करना चाहिए. अभी अब्दुल्ला को सडनली डिग्निफाइड, और वो फुटेज भी खानी थी, और उसको लगा कि सिद्धार्थ फेयर होगा और यू नो मतलब ही वुड अग्री विथ हर, बिकॉज वो खाने के लिए टीम भी नहीं करना चाहिए ऐसे. तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो, बीच बीच में मत आओ, यू नो फुकट का यू नो घुसो मत. तो बाद में बोलता है, बट बेसिकली ही लाइक कॉल्स हर आउट व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू. हाँ, अभी अभी अब्दुल्ला को महान बनना है, बोलो बोलो, मुद्दा बनाओ, मुद्दा बनाओ, आप तो इंडिपेंडेंट हो, मुद्दा बनाओ, आप अपना अपना दिखो, आपको दिखना है ऐसे कुछ. बहुत उसको उसकी गेम खोलता है वहां पे कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है. एंड इट टू मी इट डिडंट गो एज प्लान्ड बाय अब्दुल्ला, बिकॉज अब्दुल्ला थॉट सिद्धार्थ उसको सपोर्ट करेगा, पता नहीं मुझे ऐसे लगा. नहीं, सिद्धार्थ वॉज कॉशियस, बिकॉज कल जब इसने एक सेंटेंस बोला तो ब्रो फट गया. तो अब वो नहीं चाहता था कि ये टीम में और कोई और फटे और टीम और डिसबर्स हुए, गुड पॉइंट. ओके, तो इसलिए ही वॉज ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली टेल हर दैट स्टॉप योर नॉनसेंस, स्टॉप योर नॉनसेंस, बिकॉज कल उसके वजह से ही वो फाइट चालू हुई थी, वो अंडे का. जो हाँ ब्रो 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 का, हाँ, जो ब्रो का जो कैप्टनसी रूम में जो फाइट थी, बिकॉज ये वहां पे अपना मुंह ही बंद नहीं रख रहे थे और उस वजह से ब्रो और फटे जा रहा था, और फटे जा रहा था, और पूरे घर के सामने उसके टीम का तमाशा बन रहा था. तो या अब ये पॉइंट पे लेके ऑलरेडी ब्रो का चल रहा था, एक कोल्ड कोल्ड वाइब उसको आ रही थी उससे, और अब ये नहीं चाहता कि ये और मुंह खोले और बाकी की टीम पे भी हलचल चालू हो जाए. तो इसके लिए वो बोलता है कि आई विल, आप कंटिन्यू करो, सेकेंड जो सीन है उसमें मैं कुछ बोलूंगी. हाँ, तो यू नो बीच में घुसो मत, फुकट का घुसो मत, ऐसे कुछ बोलता है वो. और यहाँ पे अब्दुल्ला बोलते हैं यू नो बीच में आप आए, ऐसे बोलती है. और फिर वीवो कॉर्नर पे अब्दुल्ला और शहनाज की बातें हो रही हैं, और यहाँ पे सिद्धार्थ आके उसको फिर से बोलता है तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो, वो नहीं दिखेगा, तुम जो हो वही दिखेगा.
तो जस्ट तुम जो हो वो वही बनो. आपको लगता है कि मैंने मुखौटा पहना है तो मुखौटा ही तो मुखौटा उतर गया है, ऐसे कुछ बकवास बोलती है. तो मैं आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी. और तो कहते हैं हाँ तू तो इंडिपेंडेंट है और बहुत मतलब बहुत गंदा बात करती है यहाँ पे अब्दुल्ला. और फिर बोलती है कि आपके हाँ में हाँ नहीं मिला है, मैं नहीं मिला सकती. तो देन ही वॉक्स ऑफ आई थिंक. और वहां पे नहीं, ही सिट्स बाय द बेंच है ना, ऑन द वो बेंच. जाता है, फिर फिर वो वापस वापस आता है. आता है, हाँ बिकॉज उसको वो नहीं चाहता अब अब्दुल्ला शहनाज का ब्रेन वॉश करे. हाँ वहां के बैठ जाता है वो. हाँ वो और जाता है ताऊ में, यू टर्न मार के आके बैठता है. अब बोलो, बैठ जाता अब है. हाँ बोलो. अब बोलो. एंड वो बोलती है कि क्या बोलना है. तो हिज लाइक हो गया, आज का मुद्दा हो गया. एंड ही सेज शी सेज हाँ कितने मार्क्स मिले. 100 on 100 मिले. अब क्या ऐसे मतलब वो शी इज कॉर्नर्ड. उसको पता है सिद्धार्थ को उसकी गेम पता चल गई है. तो वो यहाँ पे चीखे मार रही है टू कि उसको लगा मे बी शहनाज कुछ बोल देगी. शहनाज अपना चिल कर रही है, बस वो आंखें बंद करके ऊपर देख रही है. शीज कुछ नहीं बोलती है शहनाज. और इसकी जली बिकॉज़ पड़ी है, अब्दुल्ला की गंदी जली पड़ी है कि इनका पैचअप हुआ है. दैट वाज अनदर थिंग आल्सो. मैं बोलूं, यहाँ पे शहनाज इसलिए कुछ नहीं बोलती है क्योंकि पता है शहनाज ने बोला था एक उसी दिन सुबह जब वो लोग बर्तन पे फाइट हो रही थी ना, कि मुझे कोई टीम से मतलब नहीं है, ना इसकी टीम ना उसकी टीम, मुझे एक ही बनने से मतलब है. हाँ. तो उस वजह से शी हैज डिसाइडेड कि मैं इन लोगों के बीच में बोलने ही वाली, इन लोगों को जो करना है करने दो, मैं मेरे हिसाब से चलने वाली. बिकॉज उसने देख लिया था अब्दुल्ला का ट्रू कलर्स, उसको समझ में आ गया था कि कोई इसका और सिद्धार्थ का रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ मुझे उल्लू बना रही है, हम लोग के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है. या बिकॉज दैट वाज प्रूवन आफ्टर मासी के साथ शादी. तो यहाँ पे अब्दुल्ला बोलती है शहनाज मैं तो सना मैं तो इज्जत से निकलूंगी. यू नो सिद्धार्थ के बारे में फिर वो आग लगाने की फिर से चालू कर दिए कि सिद्धार्थ कैन नॉट अग्री कि उनसे उससे कोई उसकी बात कोई मानता नहीं है तो उसको अच्छा नहीं लगता है ये वो. तो शहनाज बोलती है मतलब अब्दुल्ला वांट सम काइंड ऑफ अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम शहनाज की वो अग्री कर रही है अब्दुल्ला के साथ. लेकिन शहनाज बोलती है तू अपनी जगह सही है, उतना ही दिखाते हैं. अच्छा ये वाला सीन हम स्किप करेंगे. वीवो टास्क वीवो लाइक कॉर्नर पे शहनाज खेसारी और भाव नहीं, सॉरी वो जरूरत नहीं है. हाँ तो वो छोड़ते हैं. फिर वहां पे कांटा भी आती है, वो स्किप करते हैं. ओके सो यहाँ एक सीन है ब्रो सिद्धार्थ और काटा. ये चेयर पे है यू नो डाइनिंग रूम के पास कि ये लोग तो सब लोग अभी अभी तो मासी बन जाएगा कैप्टन. ये यहाँ पे इसकी इनसिक्योरिटीज बाहर आ रही हैं. ये पूरा दिन और ये पूरा टास्क इन ब्रो को आईना दिखाना था, ऐसे था मतलब. आई नो इट वाज नॉट इंटेंशनल बट वैसे हो गया. तो यहाँ पर यहाँ पर देखना यू नो कांटा एकदम सिद्धार्थ के बहुत चेयर पे ही बैठ जाती है. और मतलब एनीवे ठीक है. एंड देन दे टॉक अबाउट अब्दुल्ला आल्सो. और यहाँ पर हमने मतलब वो कहते हैं कि ओके यू नो मासी बनेगा कैप्टन, अभी देखना है कैसे चेंज होगा सब कुछ. ही सेड हाँ चेंज तो होने वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते. अगर वो हमारे साथ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो देख लेंगे. ऐसे था सिद्धार्थ. वॉज वेरी सॉर्ट ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट कि इट इज वॉट इट इज, स्काई इज ब्लू, कुछ नहीं कर सकते हम. तो वो कहता है कि हाँ अब्दुल्ला तो हमारी थी लेकिन वो जैसे कैप्टन बनी हमने देखा वो कैसे बदल गई. सो द पॉइंट ही वाज ट्राइंग टू मेक इज कैप्टन बनने के बाद सबको एक लाइक पावर मिल जाती है. अगर वो हमारे साथ सपोर्ट करते हैं तो करते हैं, नहीं तो कुछ नहीं. तो टू से कि मैं आई एम आउट ऑफ दिस, आई एम नॉट गोइंग टू लाइक डू एनीथिंग हियर. ऐसे मुझे लगा कि सिद्धार्थ डिडंट वॉन्ट मतलब यहाँ पे ब्रो फिर से सिद्धार्थ के दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था नहीं, ही डाउट्स सिद्धार्थ स्ट्रैटेजी, बिकॉज इंटेंशन. ब्रो देख रहा था कि सिद्धार्थ विशाल इज सॉरी मासी इज टॉकिंग मोर, मतलब वो देख रहा था कि मासी बार बार सिद्धार्थ से बात कर रही है,
तो उस वजह से क्या हो रहा था कि ब्रो को ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की इक्वेशन, तो वो चाहता था कि सिद्धार्थ ऐसा कोई कंफर्मेशन लाए बाकी मिस से जाके कि हाँ ये हमारे हिसाब से चले, बट वहां पे सिद्धार्थ को पता था कि सब अपनी गेम खेलेंगे, तो वो सब खेलते कंफर्मेशन कैसे लाएगा, हाँ जो ब्रो सिद्धार्थ की वहां पे इनसिक्योरिटी कैसे पूरी करेगा वो। या सिद्धार्थ वाज वेरी ब्लैक एंड व्हाइट फॉर अ रीजन बिकॉज ही न्यू ही वाज बीइंग प्लेड बाय हिज टीम, तो वो बहुत कॉशियस था और वो मासी के साथ भी आई थिंक बहुत कॉशियस था और मासी के साथ नो, भी आई एक ही विल चीज से ही डोंट वांट टू पुल, लाइक वो उस किस्म का बंदा ही नहीं है जो जैसे बोलता है ना कि लगाम पकड़ के चले। हाँ हाँ वो चाहता था कि हर एक जन अपनी गेम खेले एंड लेट द हाँ बेस्ट पर्सन विन। हाँ नो तो उस वजह से जब वो ब्रो बोल रहा है कि क्या लगता है तुझे ये हमारे तरफ से रहेगा क्या, तो वो ब्रो डाउट कर रहा है इंटेंशन विशाल की, सॉरी मासी की, लेकिन सिद्धार्थ बहुत क्लियरली बोलता है कि मैं कैसे कंफर्मेशन दे दूँ यार, वो अपनी एग्जैक्टली गेम खेलने आया है। तो हाँ तुम क्या, नॉर्मली क्या होता था कि जो हर एक टास्क इससे पहले जब भी हुए, जैसे जैसे सिद्ध प्लान करता था वैसे वैसे वो टास्क होता भी था और वो लोग जीतते भी थे। ये थर्ड टास्क में उनका जीतना बहुत डाइसी था बिकॉज एक थर्ड पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व था, पर्सन या एंड ब्रो चाहता था कि तो उससे बात करता है ना, जा जाके उससे कंफर्मेशन लेकर, तो वो उसका एटीट्यूड बन गया था। या हम लोग मतलब जैसे मैं बोला ना कि ब्रो को ऐसा लग रहा था कि जब सिद्धार्थ उसकी सुनता है तो उसको लगता था ये मेरे जेब में है, ये मेरे हिसाब से चलेगा। एग्जैक्टली 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 तो यहाँ पे भी जो उसका क्वेश्चनिंग था, एंड मैं बोलू यहाँ पे काटा लगा, बहुत ध्यान से देख रही थी हाँ कि हाँ समथिंग विच आई कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, या मैं वो तो यहाँ से एक बेनिफिट लेके अपनी टीम बना सकती हूँ। यहाँ पे टाटा लगा का अगर तुम एक्सप्रेशंस नोट डाउन करेंगे तो समझ में आता है कि इसमें से मेरे लिए कुछ बेनिफिट निकल जाएगा। बेसिकली यू नो चिरकुट के लैंग्वेज में फटेले में टांग डालना, ये फटेला उसको दिख रहा था कि ये फट रहा है बिकॉज ये वो कैप्टन रूम के मतलब यस्टरडे इन दैट कैप्टन रूम ये पूरा खुलना चालू हो गया था, ब्रो का जो एंग्स था इसके बारे में वो निकल रहा था। तो ओके यहाँ पे सिद्धार्थ और मासी बात करते हैं, वो जो कन्फेशन रूम के जाने का रास्ता जो है वहां पे मिरर वहां पे बात करते हैं बेसिकली। यहाँ पे मुझे कट टू कट लगता है बट यू नो सिद्धार्थ फिर वही बोलता है कि तू इधर उधर नहीं जा सकता। मैं तो यहाँ पे मुझे लगा कि मासी हैड कम टू टेक सिद्धार्थ सपोर्ट कि अगर मैं और यू नो चिरकुट होंगे लाइक कैप्टनसी में आप किसको सपोर्ट करोगे, तो कहता है मैं यू नो मैं तो चिरकुट को करूंगा बिकॉज वो मेरी टीम का है, मुझे नहीं पता तू मेरी टीम का है या नहीं। तो आई थिंक वो सीधा सीधा बोलता है वो ही सर तू तू पहले मोमो का फोड़, ऐसे बोलता है ही सर हाँ मैं मोमो का फोड़ूंगा। यहाँ आई पे विल से यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन का एक और रीजन ये था कि हाँ जब ब्रो का बात हुआ एंड सीइंग हिज इनसिक्योरिटी, मतलब जब ब्रो की उसने इनसिक्योरिटीज देखी, तो सिद्धार्थ ने एक और जाके ट्राई किया मासी से बात करने के लिए कि इफ मुझे कुछ क्लियर पिक्चर मिले तो मैं ब्रो को शांत करूं, बिकॉज उसको पता नहीं एक थी अटैचमेंट ब्रो के साथ, तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक है मेरा छोटा भाई है, अगर वो किसी चीज के लिए जिद कर रहा है तो हम लोग एक लास्ट ट्राई देते हैं फिर से जाके कि कुछ तो बात बन जाए। तो वैसे वो जाके एक ट्राई कर रहा था टू फिगर आउट कि विशाल की क्या स्ट्रेटजी है ये गेम को लेकर, हाँ बट वो बात बात में वो भी बोलता है कि ठीक है तू मोमो इसका मोमो का फोर्ड, और अगर तू कैप्टन बनता भी है तो यू विल नॉट चेंज माई ड्यूटी, मतलब वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज उसको पता था कि कैप्टन बनने के बाद हर इंसान अपने हिसाब से ही करता है, उसने देख लिया था या दोनों कैप्टन जो उसकी टीम से थे होके भी नहीं रहे उनकी टीम से, एग्जैक्टली तो मुझे ऐसा लगा कि एक लास्ट ट्राई करने गया था वो।
मासी के साथ। ओके मुझे लगा मैंने इस साइड से नहीं सोचा, मैंने मासी के साइड से सोचा कि मासी बेसिकली नाउ नीड्स सम बिग सपोर्ट और वोट्स। हाँ उसको तो वोट्स चाहिए, इसलिए मासी बात इसके लिए तो मासी सुसाइड और सना से बना रही थी, बिकॉज उसको वोट्स चाहिए थे, बिकॉज उसको कोई नहीं जानता था। मैंने फर्स्ट टाइम देखा उसको बिग बॉस में, मैं उससे पहले उसको नहीं जानती थी। इवन माय आई डिड डॉटर नो टोल्ड मी, मेरे बेटे ने मुझे बोला कि नहीं मम्मा ये नचबलिए में है आता था एंड इसका बहुत गंदा हुआ उसकी गर्लफ्रेंड के साथ नचबलिए, तो तब मुझे थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड समझ में आया, अदरवाइज मुझे नहीं पता। आई विल टेल यू अबाउट माई डॉटर, वो कोई सीरियल नहीं देखती, बट इंस्टाग्राम के थ्रू उसके हर सीरियल के अपडेट्स रहेंगे उसके पास। दैट्स क्यूट यू नेम अ सीरियल, शी विल गिव यू द अपडेट कि ओह इसमें वाओ क्या चल रहा है। शी हाँ नोज द प्लॉट कि व्हाट प्लॉट इज गोइंग ऑन। हम लोग हाँ उसको, मैं तो उसको बहुत हंसती हूँ, दैट इज माई बिगेस्ट टाइम पास विद हर। ओह फन फन ऑसम ऑसम ये पता नहीं एग्जैक्टली सीन कहाँ पे हुआ था। ओएमजी बोलती है कि मासी का टारगेट है सिद्धार्थ, आई थिंक बाहर ही होती है इनकी बातें, और ये टास्क मतलब ये गेम बहुत लंबा चलेगा, टास्क नहीं, ये टास्क ही गेम नहीं है, गेम बहुत लंबा जाने वाला है और यहाँ पे 3 टीम्स होंगी, 2 नहीं है ऐसे कुछ। तो एनीवे तो यहाँ पे ये बातें हो रही है और बिकॉज उन लोगों को क्या लग रहा था मोमो को, कि कहीं ना कहीं रावण इज ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड हिज गेम विथ विशाल। अरे उनका या गुड पॉइंट, गो अहेड सॉरी गो अहेड आई तो वांट टू ब्रिंग उसको ये दैट लग अप। रहा था, ये जो कॉन्वर्सेशन है सिर्फ जहाँ पे मोमो ओएमजी और रामलाल बैठा था, तो इनको लगता था ये ट्रायो एक टीम है एंड रावण पाहिरा एंड सॉरी रावण मसला एंड मासी विल बिकम वन टीम एंड सिद्धार्थ की अपनी टीम, तो उनको ये लग रहा था, तो इस वजह से ये कॉन्वर्सेशन होती है टीम के बारे में। हाँ और ओके उसके बाद मोमो की फेक लव स्टोरी। हाँ तो यहाँ पे ये हम बात नहीं करेंगे, यहाँ नहीं मोमो ओएमजी रामलाल और खेसारी, खेसारी तो इसकी पूछ ही बन गया पूछ था, आई बन थिंक ही गया। वाज स्टार स्ट्रक विद ओएम विद विद मोमो, ही वाज हैविंग अ फैन मोमेंट आई थिंक द होल टाइम। और यहाँ पे रामलाल कुछ लॉयल्टी वॉयल्टी की बकवास करता है और यहाँ पे मोमो, ओ माय गॉड ये सीन स्किप करते हैं, दे आर हाँ ट्राइंग टू प्लीज। एक्ट रोमांटिक। ओके यहाँ पे जो मोमो 10 मिनट पहले रावण को बोल रही थी कि मुझे लफड़े नहीं चाहिए, और यहाँ पे उसका कान काट रही है, पता नहीं क्या कर रही है। तो यहाँ पे शहनाज बोलती है कि सब लोग मासी के पीछे हैं, सब लोग उसको क्या बोलते हैं, मतलब दे वांट हिम टू सेव देम बेसिकली। तो फिर यहाँ नहीं पे नहीं शहनाज वो जरी वाला का जो नरेशन होता है ना, वो बोलती है कि आज सब लोग मासी को फेवर करेंगे बिकॉज हाँ सबको उससे बेनिफिट चाहिए। या वो उसका या ओके मासी मासी उसके बाद रावण सिड गिव्स अ पेप टॉक टू आसिम, सॉरी ब्रो, कि यू प्ले वेल इन दैट गेम। हाँ नहीं उससे पहले मासी एक छोटा सीन है, मासी रावण मोमो और मसला को बोलता है कि सिद्धार्थ इज सपोर्टिंग चिरकुट, सिद्धार्थ सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिद्धार्थ को मासी ये मासी की गेम है। वो जो 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 कन्फेशन रूम के वहां का जो सीन था सिद्धार्थ और मासी के बीच में, मासी उसको पूछता है अगर मेरे में और चिरकुट में होगा तो तू किसको वोट करेगा, तो सिद्धार्थ बोलता है मैं मेरी टीम को वोट करूंगा, मैं तो चिरकुट को करूंगा। वो बात वो टर्न करके यहाँ पे ये तीनों को बोलता है कि सिद्धार्थ तो चिरकुट को वोट करेगा। एनीवे तो ये मासी की गेम, ये मतलब चिंदी गेम खेल रहा था, बट व्हाटएवर उसका स्टाइल बहुत चिंदी था, ही न्यू द बिग पिक्चर बट पता नहीं आई डेंट लाइक हिज व्हाटएवर। हाँ यहाँ पे वो ब्रो के साथ यहाँ पे अनबन होती है इनकी,
यहाँ पे बेसिकली ब्रो इज बीइंग अ क्राई बेबी और ये स्टूपिड मतलब दे टॉक अबाउट बेसिकली ब्रो इज कंप्लेनिंग कि तुम लोग मेरे मेरे को कुछ नहीं कर रहे हो ऐसे यू आर नॉट हेल्पिंग मी आउट, यू आर नॉट हेल्पिंग मी. हाँ एग्जैक्टली exactly. और ये और बोल रहा है कि तू कर कर ट्राई कर ट्राई कर, मतलब एक तू रूल्स फॉलो कर ऐसे बोलता. हाँ, तो यहाँ पर बिकॉज एक ब्रो वॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वॉज नॉट हैप्पी विथ सर्ट स्ट्रैटेजी. इसके लिए वो मतलब क्या बोल रहा था, वो एक ही पॉइंट पे रोए जा रहा था कि तुम्हारी हाँ स्ट्रैटेजी गलत है, विशाल का मतलब मासी का टनल नहीं भरना. तो वो उसी चीज पे बार 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 रोए जा रहा था. ऐसा नहीं कि चलो एक स्ट्रैटेजी बनाई है तो लेट्स फिगर आउट कि इसको कैसे काम कर सकते हैं इस पे, बट उसको पता नहीं. और यहाँ पे मासी भी अगेन स्पीकिंग फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ हिज माउथ यहाँ पे बोलता है कि कि ब्रो को बोलता है कि मुझे तुम्हारी तुम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी लगती है. अच्छा लगता है मुझे तुम दोनों को देखते देखते हुए. बट अगर मैं ऐसे देखता हूँ ना तो वो मतलब ही वाज सेइंग कि जैसे सिद्धार्थ तेरे से बात करता है मुझे लगता है कि तू उसको कभी तुम लोग एक एक दूसरे पे चढ़ जाओगे ऐसे. कि मतलब टू टेल ब्रो कि हाउ आर यू डीलिंग विद दिस. मैं होता तो मैं नहीं करता ये फिर से उसके कान भरना है. ये मासी की गेम थी. ही वाज स्पीकिंग फ्रॉम बेसिकली स्पीकिंग फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ हिज माउथ. ओके तो यहाँ पे फिर से टास्क होता है और मासी ब्रेक्स मोमोज प्लेट बेसिकली उसको सिद्धार्थ के गुड बुक्स सिद्धार्थ का में. सपोर्ट. हाँ उसको सपोर्ट चाहिए था. तो ब्रो को वो बोलता है मासी बोलता है मेरे को तो कैप्टन बनना है और मैं यहाँ अंडे अंडे डालने तो नहीं आया हूँ. मैं किसी का प्यादा नहीं हूँ. मैं किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता हूँ. ये पूरा उसके कान भर रहा है बिकॉज बैकग्राउंड में पूरा हफ्ता रावण और मासी बॉन्डेड रियली 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 वेल. एंड वो लोग एंड तक मासी जाने तक घर के बाहर जाने तक देवर टुगेदर. ओके दे मतलब वो लड़ते थे लेकिन पीछे से वो लोग एक साथ ही थे पूरा टाइम. और इस हफ्ते वो लोग काफी बॉन्ड हुए. ओके तो ये बेसिकली पूरा पूरा ये ब्रो का दिमाग खराब करने के लिए था. और फिर एंड में बोलता है सिद्धार्थ उतना भी बुरा नहीं है ऐसे बोलता है. ठीक है बिकॉज उसको कैमरास में भी अच्छा दिखना था. बिकॉज हम सबको कहीं ना कहीं लगा अरे ये तो मासी तो अच्छा सपोर्ट बन के रहेगा सिद्धार्थ के लिए ऐसे. बट वो कभी था ही नहीं. फिर ये OMG वो अब्दुल्ला था सर, पार्ट टू, टू ही पॉइंट ओ वाज. इसीलिए वो यहाँ पे अब्दुल्ला की गेम डिफ्यूज कर रहा था नारायण नारायण बोल के ताकि वो वही करे जो अब्दुल्ला कर रही थी. दैट इज व्हाई ही वाज ओपनिंग हर गेम. आई फेल्ट एग्जैक्टली ही वाज या एग्जैक्टली लाइक दैट. ही वाज अब्दुल्ला 2.0. फिर ये OMG का नौटंकी चालू होता है वो स्टेयरिंग बिजनेस और कौवा और चिड़िया की कौवा स्टोरी. चिड़िया की स्टोरी तो अनसीन में रह गई. बट यहाँ पे बट हाँ वो बोलती भी है ची 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 मेरा पूंजा सड़े वो तो बोलती है. अच्छा बेसिकली वो वो ये नरेट दोनों कर रही है कि कैसे खेल मोमो और अब्दुल्ला, सॉरी मोमो और एमजी खेल रही है सिद्धार्थ के रहे. साथ, हाँ बिकॉज बिकॉज उसमें कौवा कछुआ सिद्धार्थ है, चिड़िया ओएमजी है, एंड हाँ कबूतर मोमो है. मोमो है वो एग्जैक्टली. वो उसको डॉक्टर के बोलते पास ले जाती है. कुत्ता बोलते अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, भी मोमो को शेर है. बोलती मैन वो. शहना जो बजाती है ना इट्स अमेजिंग अमेजिंग. और ये सीन के बाद मोमो को इतनी तिलस्ती है कि हाँ हाउ डेयर यू टेल मी ऑल दिस थिंग. ये सब जब हो रहा था अब्दुल्ला वहां पे लगी हुई थी मासी के साथ कि हाँ क्या बोल रहा था सिद्धार्थ तुझे मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरे साथ हूँ ऐसे. वो अपना उधर उधर वो फिट कर रही है वो टाका. लूसीदा कर रही थी. हाँ हाँ
और यहाँ पे मोमो को लाइक शहनाज मॉक कर रही है, वो तू ऐसे चलती है ऐसे चलती है, बिकॉज फ्राइडे वाले दिन वीकेंड के वार से पहले कोई अनसीन था, वो सबकी मिमिक्री कर रही थी, जैसे कांटा कैसे चलती है और मोमो कैसे चलती है. तो यहाँ पे मोमो को इतना गुस्सा है शहनाज पे, एक तो इनसिक्योरिटी है उसको लेकर, और वो उसको मालूम है कि शहनाज बजा देगी सबकी. तो यहाँ पे मोमो बोलती है, अच्छा तू तो सबकी करती है लेकिन तेरी कोई नहीं करता है ना, ही सेड, तो करके दिखाओ करके दिखाओ, मैंने तुझे इतना नोटिस नहीं किया. ये ना, दिस इज सो चाइल्डिश, इज सो एमेच्योर. उसका जो पोकिंग करने का तरीका है ना मोमो का, इट्स लाइक इट्स मतलब शी नेवर ग्रो अप, ऐसे लगता है वो मतलब 15 साल की बच्ची रहेगी, जो दिमाग मतलब एज इज अ नंबर बोलता है ना, वो दिमाग वैसे ही रह गया उसका. तो एनीवे, तो रावण सॉरी मासी और नहीं, आई विल सिद्धार्थ, से मोमो का प्रॉब्लम क्या था पता है? मोमो को जब वो खुद देती है, मतलब किसी को भी, तो शी फील्स हैप्पी कि यार मैंने तो बजा दी, लेकिन उसको लेना नहीं आता था, क्योंकि लेना ये नहीं जो आता. स्टोरी उसने जो उसको स्टोरी बोलती है उसमें वो बोलती है ना, कबूतर उसने बोलती है अपने गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, वो उसको चिढ़ मर गई थी कि हाउ डेयर, आई एम अ सीनियर एक्टर, उसका वही हो रहा है ना पूरे से, मैं सीनियर एक्टर हूँ, मैंने इतने साल मेहनत की, मैंने अपने दम पे खड़ी रही, यार इस इंडस्ट्री में तेरे जैसे हजारों लोग हैं जो अपने दम पे आके खड़े रहते, तो यू आर नॉट अ फर्स्ट वन, बट उसको क्या था ना कि शी वॉज लाइक, सी एवरीबडी शुड प्राउड ऑफ देयर ओन स्ट्रगल्स आई बिलीव, लेकिन इसका भी यही था, मेरी स्ट्रगल आई एम द बेस्ट, जैसे ब्रो का था ना कि मेरी प्रो स्ट्रगल का मैं वही सिंपैथी था, पूरा लूं वही था. ओके मेरी स्ट्रगल मैं सिंपैथी लूं, सेम हाँ इसका भी था, इसके लिए राम मिलाए जोड़ी थी बाद में। या तो यहाँ पे फिर मतलब फिर से मासी बात करता है सिद्धार्थ से, देख देख भाई तेरे साथ जो लोग हैं एक को छोड़ के सब तुम्हारी पावर के साथ है. मतलब वो यहाँ पे फिर उसके कान भर रहा है कि ऑल दीज पीपल, ब्रो, कांटा, फ्लॉक की स्टार और चिरकुट, ये सब तुम्हारे पीछे तुम्हारे पावर के लिए है, तुम स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो, फलाना फलाना. बिकॉज वो अभी शहनाज के साथ पंगे नहीं लेगा, शहनाज को बीच में नहीं डालेगा, बिकॉज वो थोड़ा उसको लग रहा है कि वो बहुत लंबा जा रहा है. और ठीक है, तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है, हाँ मैं आई एम गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट, ऐसे वैसे. ठीक है, फिर से वो राक्षस टास्क वो होता है, एंड मासी आके सिद्धार्थ की प्लेट तोड़ देता है, और सब लोग बोलते हैं सिद्धार्थ हट जा वहां से, बट शहनाज जब बोलती है सिद्धार्थ साइड हो जा, ही सेज हाँ, किसी और को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, सिर्फ उसको कहता है हाँ. तो देन ही जस्ट सॉर्ट ऑफ डक्स हिज फेस. तो ओके, तो यहाँ पे बीबी की अनाउंसमेंट होती है, सब लोग असेंबल होते हैं लिविंग रूम में, कि ही इज लाइक बेसिकली बिग बॉस सेज कि आप लोग एक बहुत बायस गेम खेल रहे हो, मतलब तुम लोग ये जो कर रहे हो, नो वन इज, बिकॉज उन्होंने एक राक्षस का फिल ही नहीं किया था ना, तो वो फटाफट फटाफट सारे प्लेटें तोड़ रहा था. तो यहाँ पे ही सेज कि ये वाला टास्क मतलब रद्द नहीं होता है, बट ही सेज कि वन कंटेस्टेंट इज आउट एंड दैट इज मासी. सो मासी इज नॉट गोइंग टू बी द राक्षस. ये टास्क रद्द होता है बेसिकली, इन द सेंस कि जो फॉर द राक्षस, ब्रो और रामलाल अभी भी खेल सकते हैं लेकिन दे आर नॉट क्वालिफाइड टू फॉर कैप्टनसी कंटेंडरशिप, बट दे कैन वो फोड़ सकते हैं किसी का प्लेट ऐसे. तो यहाँ पे सिद्धार्थ ब्रो को बोलता है कि अभी तू फुल पावर में आ, यू हैव टू कम आउट 3 टाइम्स, तेको बाहर आना है और मसला रावण और ओएमजी की प्लेट तोड़नी है. बट बेसिकली वो नहीं आ पाता है और रामलाल बाहर आके
लाइक कांटा की प्लेट तोड़ देता है बिकॉज ये अभी अभी कैप्टन बनी है फलाना फलाना. यहाँ पे ब्रो की किलस्ती है कि मेरा बहुत वो था, फिर से क्राई बेबी चालू, मैं नहीं निकल पाया, ये वो, तुम टीम तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, ये वो. और वो बोलता है कि सफोकेशन बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पे कांटा कांटा बोलते हैं कि यू हैव टू स्विम थ्रू, जैसे रामलाल आ रहा है ऊपर से आना है, तेरे को अंदर से नहीं आना है, ये वो. तो फिर यहाँ पे फिर से सिद्धार्थ की स्ट्रेटेजी को ब्लेम करता है. और तो आई आई डोंट गिव अ शिट ब्रो, उसका ये आई डोंट गिव अ शिट, यू आर अ पीस ऑफ शिट, ये बहुत यूज होता, बहुत उसका नॉर्मल बात करने का तरीका है ब्रो का. ओके सो फिर यहाँ पे तू तू तो सुनता नहीं है किसी की. तो यू नो सिद्धार्थ कॉल्स लाइक काटा को बुलाता है, यार तू तू बात कर इससे. तो ब्रो बोलता है कि मेरे को ये मत बोलो कि गेम मेरे ऊपर है. तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है यू गो इन दैट टीम, तू तू जा, तेरा हो गया, तू जा. ही सेज तू मेरी सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, जब भी मैं तेरी बात को वो करता हूँ तो मेरी सुनता नहीं है. तो इज लाइक देर इज नो रॉकेट साइंस टू फिल दिस टनल, ये हमने जर्नी वीडियो में देखा था. यहाँ पे ये बोला देर इज नो रॉकेट साइंस, देन देर वॉजेंट, देर इट वॉजेंट, दिस टास्क वॉज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था. फिर से टास्क शुरू होता है. उसको ही वाज जैसे ना सिद्धार्थ उसको बोलता है ना कि उसको पता नहीं ही वाज डूइंग ऑल हिज जिम एंड ऑल बट ही डिडंट हैड एनी स्ट्रेंथ. या एक इंसान कुछ भी होता नहीं है है ना ना. कि वो नहीं वो पूरा फुसकी है. इवन उसको जो बॉडी भी उसकी दिखती है उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है. स्ट्रेंथ कम्स जब आपके पास एक फाइटिंग स्पिरिट होती है स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम योर तो माइंड. या या एग्जैक्टली. फ्रॉम योर माइंड. मतलब जब तुमको कुछ कर दिखाना है सिर्फ बॉडी बनानी है सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के लिए दैट इज नॉट द स्ट्रेंथ. आई फील दैट. एंड या यहाँ पे हाँ यही हो रहा था एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली. उसको इतना ही वाज स्ट्रॉन्गर. नॉट ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग नहीं था लेकिन उसको वो करना ही नहीं था. ही डोंट वांट टू पुट. उसको सब कुछ इतने 5 हफ्तों से सब फुकट में मिल रहा था तो चाहता था कि मैं ऐसे ही सेल थ्रू करूं और आगे तक एंड देन आई विल शो माय कलर ट्रू कलर. तो उसको कुछ भी नहीं करके भी सब कुछ चाहिए था. हाँ बैठे इसके लिए बैठे उसने ट्राई ही नहीं किया ये टास्क में. ही इज अ ब्रैट, ही इज लाइक अ स्पॉइल्ड ब्रैट जिसको बोलते हैं. ओके यहाँ पे मसला, और सॉरी नॉट मसला, टास्क शुरू होता है. फिर ब्रो फिर से ही गेट्स वर्कड अप उसका. सो हाँ ओके यहाँ पे आई थिंक मासी और सिद्धार्थ की बात होती है, पता नहीं वीवो के पास या मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पे. तो यहाँ पे मासी फिर से वो वोट के लिए मांगता है. ही से यू नो सिद्धार्थ बोलता है नहीं, आई आई विल आई एम विद द टीम, आई एम विद माय टीम, ऐसे कुछ बोलता है. तो फिर यहाँ पे ब्रो उसका वेंटिंग चालू हो जाता है रामलाल के साथ, ये बहुत हार्ड है जाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ओ इस तरफ ये सारी लड़कियां जहाँ बैठी हैं वहां पे OMG शहनाज को बोलती है, तू तो बोलती है तू न्यूट्रल है न्यूट्रल है, जाना थोड़ा यू नो रामलाल के टनल से जाकर इससे लेकर आओ, ब्रो के टनल में डालो, तुम तो हमारे साइड से भी खेलती हो, तुम न्यूट्रल हो ना. तो बोलती है नहीं मैं किसी मुझे किसी टीम से परवाह नहीं है मैं. तो वहां पे शी जस्ट सिट्स एंड डज नथिंग. तो फिर रामलाल बाहर आता है, फिर से ब्रो ही लूजेस हिज ब्रेथ एंड रामलाल शहनाज की तोड़ देता है कि ये ट्रस्ट करने के लायक नहीं है. ओके और यहाँ पे ब्रो फिर से उसकी टीम को उनके स्ट्रेटजी पे फिर से ब्लेम करता है. और यहाँ पे यू नो मासी इज ऑन देयर साइड, मतलब राक्षस वाले साइड पे यू नो बैठा हुआ है. तो बोलता है कि यू नो खेसारी गांव का आदमी है ना, तो उसको पता है कि कैसे भरना है. और उसने अच्छी भरी है यू नो बोरियां तेरे यू नो तेरे वाले टनल में ऐसे वैसे. और इस तरफ फ्लॉप अब्दुल्ला सिद्धार्थ और शहनाज बैठ के बातें कर रहे हैं बोरी के बारे में, और मतलब कैसे भरी हुई है ये वो ये वो. तो
ब्रो बेसिकली जो मासी उसको बोलता है कि तुम लोगों ने ठीक से भरी नहीं है बोरियां, खेसारी जैसे भरी नहीं है, ही विल रिपीट द सेम थिंग बैक टू सिद्धार्थ एंड टीम कि तुम लोगों ने वो किया नहीं है, तुम लोगों ने ठीक से भरा नहीं है मेरा, वो लोगों ने अच्छे से भरा है, वट एवर वट एवर. ओके एंड बेसिकली टेलिंग कि तुम लोग रामलाल को मतलब इतना हार्ड, इतना प्ले नहीं कर रहे हो. एवरीवन इज अगेंस्ट मी, द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी, लुक एट मी, मैं अबला मर्द हूँ और ये हूँ वो हूँ. बस उसको सिंपथी, बस उसकी सिंपथी उसकी है, जैसे कल स्नेहा ने बोला कि मेरी सिंपथी मैं किसी और को क्यों दूँ. आई हैव वन पॉइंट इन दिस. इसमें कैसा था कि उसको वो ब्लेम नहीं चाहिए था कि मेरे वजह से टास्क हार गए, बिकॉज उसको ये था कि वीकेंड के वार पे सलमान खान शुड नॉट कम एंड टेल मी कि तूने कोई एफर्ट्स पुट नहीं किया. सो ही वाज मतलब वो इस वजह से रीजंस दे रहा था कि मेरे वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ये सब तुम लोग की वजह से हो रहा है, तुम मैंने कुछ लोग नहीं एग्जैक्टली किया, हाँ ये सब तुम लोग की फेल स्ट्रेटेजी है, अब तुम लोग ही भुगतो. तो वो क्रिएटिव्स हो, ऑडियंस हो, सबको एक रीजनिंग दे रहा था कि हाँ मैं आई एम गुड, ये सब हो रहा है बिकॉज सिद्धार्थ की स्ट्रेटेजी फेल हो रही है. या ही वाज ऑलवेज लाइक यू नो पासिंग द बक, ही नेवर, हाँ वो उसको वो चाहिए ही नहीं था. कुछ अच्छा हुआ तो उसने किया, अगर कुछ नहीं हुआ तो किसी और ने किया. मतलब बट नॉट ये बच दिस कैन कांड बी ही प्रूव्ड. नो, दिस कैन बी प्रूव जब वो मैंने एक लग्जरी बजट टास्क होता है वहां पे भी वो पूरी फेलियर काटा लगा शेफ. पे डाल देता है. हाँ तो हाँ उस वजह से मतलब वी कैन शो उसकी यही पर्सनालिटी है या कि कुछ अच्छा हुआ तो सब मैंने किया, कुछ या गलत हो गया तो औरों ने तुमने किया. किया. अच्छा यहाँ पे अपने अपने मास्टरमाइंड, सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड मास्टरमाइंड्स कांटा और अब्दुल्ला, वहां पे ब्रो की बुराई कर रहे हैं. ओके कि उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया. बेसिकली वो सिद्धार्थ को दिखाना चाह रहे थे, हालांकि सिद्धार्थ वहां पे नहीं था, बट ये बातें होती हैं. और कि ब्रो ने कुछ नहीं किया, ही डिडंट इवन मेक एन एफर्ट, व्हिच वाज ट्रू, बट दे वर यूजिंग दिस टू ब्रेक सिद्धार्थ एंड ब्रो बेसिकली. तो यहाँ पे बाहर ये जो जर्नी वीडियो में दिखाया गया था, रामलाल अभी अभी रामलाल का काम है ब्रो के कान भरना कि हम प्यादे नहीं है ना आसिम, तू हीरो है, तू हीरो बन ऐसे. ठीक है, ये जो पंप करते हैं ना, ये जो गुंडागर्दी वाले लोग हैं, जो गली के गुंडे होते हैं, तू तो भाई है, तू ये कर तू वो कर, ये एक दूसरे को पंप कर रहे हैं. फिर अब्दुल्ला यहाँ पे ब्रो को पोक कर रही है, जब वो मतलब मुझे ऐसे लगा व्हेन दे वर स्टफिंग द टनल एंड ऑल दैट, बट वो नहीं होता है. और फिर से रामलाल बाहर जाके चिरकुट की प्लेट तोड़ता है. फिर से वो लाइक टनल फिल करने वाला टास्क आता है, फिर से चालू हो जाता है वो राउंड. और शहनाज को पोक करता है ब्रो, तू जाके भर उसका, हमेशा मुंह खोलते रहती है. और ये फिर से गंदी गंदी बातें बोलता है शहनाज को. और सिद्धार्थ कांटा को, और अभी अब्दुल्ला और कांटा ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो टीम के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और रामलाल का टनल भर रहे हैं, यू नो भर रहे हैं, वो उनका एक अलग ट्रैक पे थे. तो सिद्धार्थ बोलता है डोंट डू दिस, तू यू नो तुम्हारे टीम का आदमी कुछ कर ही नहीं रहा है तो तुम यहाँ पे क्यों कर रहे हो, हम तो टीम के लिए कर रहे हैं ना, हम टीम के लिए कर रहे हैं. तो ब्रो यहाँ पे रामलाल को बोलता है जाके शहनाज की प्लेट तोड़ ऐसे, बट शहनाज की प्लेट ऑलरेडी टूट चुकी थी. एनीवे पता नहीं मैंने ऐसे क्यों लिखा यहाँ पे. ठीक है, जब जब रामलाल, एक पॉइंट है, जब रामलाल यहाँ पे बोलता है हम प्यादे थोड़ना है आसिम, यहाँ पे ऐसे कुछ बोलता है, तो ब्रो यहाँ पे बैठ के बोलता है मैं मेरी गेम चेंज करूंगा, अभी पब्लिक देख रही है कि मैंने स्टैंड लिया और मुझे सपोर्ट मिलेगा, और मेरी गेम अभी मैं चेंज करूंगा. तो यहाँ पे दिस इज क्रिटिकल बिकॉज
मेरा मानना है हाँ, हालांकि अब्दुल्ला एंड कांटा स्टार्टेड दिस होल थिंग, स्टार्टेड जो कैप्टन रूम में जो लड़ाई हुई है पूरा इन लोगों ने स्टार्ट किया, बट इसको धीरे 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 जो पंप मिलते गया, पंप दिया गया रादर, नॉट मिलते गया, दिया गया मोमो से, रामलाल से और मासी से, कांटा, और कांटा से तो उसने बहुत पंप लिया, बहुत उसको मिला भी और उसने लिया भी, बिकॉज कांटा और ब्रो की बहुत एक एयर कोटिंग अच्छी कनेक्शन बन गई थी तब तक. सो विथ ऑल दोज डेटा पॉइंट्स और उसको उसकी जितनी भी मतलब सिद्धार्थ उस और वो शहनाज के साथ पैचअप हो गया, ये सब को ध्यान में रखते हुए, और ये खुद तो क्राई बेबी है, उसको उसके अलावा दिखता नहीं है कुछ भी, तो उसको लगा कि अभी मैं स्टैंड ले रहा हूँ अपने लिए, सच के लिए, और वो वहां पे ही मेक्स अप हिज माइंड टू चेंज हिज गेम. आई हैव वन पॉइंट टू ऐड राधिका. यह गो फॉर इट. नो डाउट ही वो डिक्लेयर करता है ऑडियंस को भी कि मुझे हर चीज में दबाया जा रहा है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है एंड मुझे इसलिए मेरा गेम चेंज कर रहा है. वो यहाँ पे वो ऑडियंस को जस्टिफिकेशन दे रहा है, लेकिन एक अनसीन है जो उसने टॉप फ्लॉप की स्टार के साथ किया है. इसके कहीं वीक्स के बाद जहाँ पे वो बोलता है कि मैं आया ही इस स्ट्रैटेजी से था कि मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं लाइक बिकॉज उनके हिसाब से ये 5 वीक्स का एक्सटेंशन था, वो नहीं था उनके हिसाब से. तो उनकी उसकी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं कुछ वीक्स तक इसका सपोर्ट सिस्टम बन के रहूंगा एंड आई विल टर्न उसके अगेंस्ट जाऊंगा. तो ये उसकी स्ट्रैटेजी थी जो उसने फ्लॉप की स्टार के साथ डिस्कस की थी. लेकिन जब मुझे तुम लोगों का सपोर्ट मिला तो वो मैंने कुछ जल्दी कर दी. हाँ तो वो बोलता है ये चीज है कि मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि मुझे उसके साथ खेलना था, लेकिन एक टाइम आएगा टुवर्ड्स द एंड, मतलब फिनाले से 4-5 हफ्ते पहले मैं उसके अगेंस्ट हो जाऊंगा. लेकिन जहां तुम लोग की सपोर्ट सिस्टम मिली, मैंने वो चीज बहुत पहले कर दी. पहले कर दी. हाँ इसलिए जब 5 वीक का एक्सटेंशन हो गया था ना, ही हैड लॉस्ट द प्लॉट एट दैट टाइम, हाँ बिकॉज वो उसके स्ट्रैटेजी में नहीं था ना कि वो 5 वीक, अभी 5 वीक क्या करेंगे लोग. या एग्जैक्टली. आई डोंट रिमेम्बर. है एक अनसीन, इफ एट ऑल आई कम अक्रॉस आई विल शेयर विद यू, हाँ सेंड क्योंकि मैंने मी. वो अनसीन मैंने 2-3 बार हेडफोन्स लगा के सुना. बिकॉज सिर्फ ये दोनों है, ब्रो एंड फ्लॉप के स्टार, और वो बोल रहा है कि ये मेरी स्ट्रैटेजी थी लेकिन थैंक्स टू यू कि तुम लोग दोनों की वजह से. आई थिंक वो जो फ्लॉप की स्टार जाती है ना, वो वीक की है वो. अच्छा ओके ओके ऑलराइट. मैं देखूंगा, देखूंगी फिर उसने क्या बोला. और यहाँ पे OMG और सब लोग बेसिकली ब्रो की कंडीशन पे सपोर्ट करते हैं. हाँ तकलीफ हो रही है उसको, ये वो, और फिर से ये लोग बैठ के शहनाज को पोक करना चालू करते हैं. फिर मसला आके और डेलिकेट बेबी ये वो, इनका बस दे वर जस्ट सिटिंग एंड पोकिंग शहनाज देयर अगेन. एंड ब्रो फिर ये इसको जो वो उल्टियां उल्टियां होती है ना, मतलब उसको वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको पानी देते हैं ये वो, तो सिद्धार्थ इस तरफ आके ही कम्स टू हेल्प हिम. ब्रो उसको इग्नोर करके ही गोज इन द स्मोकिंग रूम. यहाँ पे टास्क एंड होता जब है. आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यू डोंट स्मोक. नो, वो बस उसको इग्नोर कर रहा था. एक तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुआ ही नहीं था, बस नौटंकी कर रहा था वो, उसको कुछ इसके लिए नहीं मैं हुआ बोल रही, था. जब होता है हाँ तो ये आप स्मोक नहीं कर सकते उस टाइम नहीं पर. कर सक. एक तो उसको सिद्धार्थ को उस लाइक सिद्धार्थ से बात नहीं करनी थी और उसको कुछ हुआ नहीं था, दैट्स व्हाई ही जस्ट एस्केप देयर फ्रॉम देयर, बिकॉज उसको पता है कि सिद्धार्थ बात करेगा. सिद्धार्थ को ऐसा उस मामले में उसको ईगो नहीं है, वो ठीक से बात करता उसके साथ, बट आसिम डिडंट वांट टू बी बॉदर्ड बेसिकली. सो बट यार क्राई बेबी है यार, ही इज जस्ट, ही इज नथिंग. वो बॉडी वॉडी बहुत बकवास. वो शहनाज बोलती है ना OTT में, बॉडी क्या है, बॉडी सबको होती है, उसमें क्या है, व्हाट्स द बिग डील. अंदरूनी हर कोई अच्छा बना लेता है. तो हाँ
तो ये बॉडी बना के क्या उखाड़ लोगे? कुछ खुद का टास्क तुमने खुद का नहीं किया, लोगों पे रो रहे हो। आई मीन एक आई विल टेक जस्ट डाइवर्ट द थिंग ओवर हियर. पता है लास्ट वीक में जब सिद्धार्थ बोलता है यू आर नॉट स्ट्रांग एट द कोर, एंड वो अपना है ना स्टमक दिखाता है, सी माई कोर इज सो स्ट्रांग. तो सिद्धार्थ बोलता है दिस इज योर प्रॉब्लम, तुमको कोर का मतलब ही नहीं समझ में आया, लीव इट. हाँ वो वहां पे जो जेल जहां का रिलीज, हाँ हाँ रिमेम्बर दैट। ओ मैन वहां पे क्या बजाता है सिद्धार्थ ब्रो की, ओ दैट वाज। इस वजह से वी से कि वो मस्कुलर था विदाउट एनी स्ट्रेंथ, बस मेरे हिसाब से वो था यार उसका. प्रोटीन शेक पी के वहां पे डंबल उठाने से कुछ, दैट मीन्स शिट, दैट मीन्स नथिंग, सॉरी दैट मीन्स नथिंग। सो ओके, यहाँ पे टास्क खत्म हो जाता है बेसिकली, और बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि रावण, मसला, OMG और मासी बनते हैं कैप्टनसी के कंटेंडर, और चिरकुट और रावण बोलते हैं अच्छा हुआ टास्क, अच्छा हुआ व्हाटएवर। और यहाँ पे रामलाल, मोमो और खेसारी की बातें हो रही हैं एपिसोड खत्म होने से पहले, कि वो रामलाल बोलता है कि अपनी अपनी लॉयल्टी मासी के साथ होना चाहिए, व्हाटएवर व्हाटएवर। आई थिंक दैट्स इट। रामलाल बोलता नहीं है आई कि थिंक उतना ही था वो एपिसोड. भाड़ में, हाँ यहाँ पर एक चीज बोलता है, जब ब्रो इस तरफ आएगा ना तब देखना तमाशा, ऐसे बोलता है। दैट्स वेयर द एपिसोड एंड्स। सी ओके ये रामलाल की ही स्ट्रैटेजी थी. सी फर्स्ट पहले तो रामलाल ने दिमाग में डाला सबका कि ब्रो इज ट्राइंग टू चेंज हिज प्लान, सबसे पहले ये टनल टास्क में. उसके बाद वो मोमो को, मोमो उसका सुन के ब्रो के साथ बात करती है कि हम लोग की कभी ऐसे वन टू वन टॉक नहीं हुई ना, इसलिए कभी समझ में नहीं आया तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू. थर्ड जब रामलाल बोलता है कि अरे हम प्यारे बनने थोड़ी है, तो यहाँ पे रामलाल ने एक रास्ता बनाया ब्रो को टू गेट इन टू द टीम. तो आई विल सपोर्ट रामलाल स्ट्रैटेजी दिस वीक. या एग्जैक्टली। नो ही वाज गुड हियर एंड ही वाज स्ट्रेटेजिक आल्सो, बट मोमो का तो अपना ही ट्रिप है। सो एनीवे यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है, तो अमन यहाँ पे 46 खत्म हुआ, अभी हम 47 चालू करेंगे, देखते हैं कितना जाता है आगे। कल 44 एंड हुआ था, उसके बाद 45, 46 दोनों हो गए. कल हो गए थे, हाँ कल कल 45, 44 हुआ था. नहीं, कल 44 हुआ था, एक मिनट, हाँ या मुझे याद है. अपना 46 हाँ खत्म, 46, आप भी 46 है, सॉरी मेरी गलती हो गई, 46 खत्म हुआ. नहीं 46 अभी चालू है, बिकॉज 43 इज द पैच अप, 44 इज द ट्यूसडे एपिसोड जहाँ पे वो जो कैप्टन रूम में लड़ाई हुई थी, 45 इज व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड, 46 इज कैप्टेंसी की दावेदारी खत्म हो जाती है, खारिज की जाती है, दैट इज 46, और फ्राइडे इज 48, नहीं 47, व्हाट एम आई सेइंग, 47, या है ना, व्हाट आर वी मिसिंग? ये जो टनल टास्क था ना वो 3 दिन चला था, मतलब स्टार्टिंग एक दिन लास्ट में हुआ, हाँ देन हाँ सेकेंड दिन पूरा चला, एंड या थर्ड डे जाके खत्म हुआ है टनल टास्क. नहीं, थर्ड डे नहीं हुआ, सेकेंड डे एंड में खत्म हुआ, खत्म हुआ, होल्ड ऑन, नहीं, हाँ, फोर्टी थर्ड डे सिक्स्थ में 46 एपिसोड, फोर्टी होता है, सिक्स्थ डे में टनल टास्क हाँ, खत्म होता है. खत्म होता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके सो 46 स्टार्ट करते हैं फिर, 46 पोटैटोस, हाँ ग्रेवी, हाँ 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 स्टफिंग, सब कुछ, हाँ या सो ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट, बिकॉज़ ये आज ये एपिसोड खत्म करना है मेरे को। करते चलो.
हाँ चलो फटाफट दिस इज ओके टर्निंग पॉइंट यहाँ पर जो ब्रो हाँ एंड सिड की बातें होती एग्जैक्ट है. तो ये 46 हाँ तो समझिए एब्सोल्युटली दिस इज डे एपिसोड न्यू एपिसोड इज अबाउट टू स्टार्ट 46 से स्टार्ट होता है लेकिन वो डे 47 में जाता है. ये लोगों ने ना बहुत इतना कंटेंट दिया है बिग बॉस को तो ठीक है. ओके सो टास्क वो मतलब वो डे कंटिन्यू होता है टास्क खत्म हो गया है और यहाँ पे सिद्धार्थ और ब्रो की कॉन्वर्जेशन आप लोग जाके सुने. यहाँ पे ये लोग क्या चल रहा था ब्रो की लैंग्वेज ब्रो का थिंकिंग और ब्रो का जो माइंडसेट है इसमें पूरा साफ दिखाई देता है कि वो कैसा बंदा है कितना सेल्फ सेंटर्ड कितना जहर बंदा है ये बहुत ही उसको उसके आगे कोई कुछ नहीं दिखता है एंड ही कैन बैक स्टैब फ्रंट स्टैब जस्ट अबाउट एनीबॉडी जस्ट अबाउट एनीबॉडी. अभी तक वो जो अब्दुल्ला कर रही थी उसने अब्दुल्ला की गेम तो पकड़ ली ब्रो ने कि हाँ अभी तक सब कुछ सही था तो वो हमारे साथ थी और अभी वो चेंज हो गई है. ब्रो भी वही उसको पंप मिल गया और उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया उसको थोड़ा वीकेंड के वार में अच्छा बोला गया राम लक्ष्मण की जोड़ी बोली गई तो अभी उसको वहां से तोड़ना था और उसको लगा कि बस मैं ही हूँ और दिस इज इट बिकॉज अभी उसको ही वॉन्टेड टू बी नंबर वन सिद्धार्थ का नंबर वन ताकि ही कैन यूज यू नो सिद्धार्थ और गो मतलब आगे आगे बढ़ना चाह रहा था बट वो नहीं हुआ. एंड तो लिखा तो मैंने बहुत है बट बेसिकली उसका द यू नो द समरी ऑफ ऑल दिस इज वो सिद्धार्थ पे पूरा ब्लेम डालता है एंड ही सेइंग तेरे वजह से तू ऐसा है तू बोलता है भाड़ में जाओ तू बोलता है सबको भाड़ में जाओ और ही यूजेस हिज वर्ड्स अगेंस्ट हिम व्हेन समवन डज दैट नेवर नेवर ट्रस्ट देम नेवर ट्रस्ट देम व्हेन दे यूज योर वर्ड्स अगेंस्ट यू. सो बहुत गंदा बोलता है सिद्धार्थ के लिए बहुत गंदा बोलता है वो. किसी ने बोला है कि डब्बू ने नई पिक्चर डाली है शहनाज की सॉरी वो लेट मी चेक. ब्लैक एंड व्हाइट वाली डाली है वेरी नाइस मस्त है ये ओ मैन हैंग ऑन मैं कमेंट कर रही हूँ दैट्स मोर इम्पोर्टेंट लेट मी Oh my God. अमेजिंग ना Yeah, this is beauty. शी इज आज किसी ने ट्वीट किया था, प्लीज डिक्लेयर शहनाज गिल एज अ नेशनल क्रश. होना चाहिए ओ मैन शी इज इनक्रेडिबल. उसका उसकी जॉ लाइन बेचारी पूरा जॉ लाइन करती रही शो में सच दे आर सच ब्यूटीफुल पीपल मैन शहनाज एंड सिद्धार्थ ओ वाह ओके चलो लेट्स कीप मूविंग ओके सो जो भी डे है आई थिंक 46 डे है मेरे हिसाब से एपिसोड 46 डे का नहीं बोलूंगी मैं आई थिंक डे कंफ्यूजेस. ओके तो ये होता है ये बहुत बहुत गंदा बोलता है उसके लिए बेसिकली यू मतलब तू चाहता ही नहीं था मैं जीतूं बहुत कुछ एलिगेशंस डालता है और तू बहुत रूड है और मैं किसी से डरता नहीं भाई मैं किसी से डरता नहीं तू फ्रेंड है एज अ फ्रेंड हमने तेरा सुना एज अ फ्रेंड जैसे इसको भाई भाई बोलता था ना अभी एज अ फ्रेंड मैंने तेरा सुना जैसी शहनाज आई तू उसका हो गया और मतलब तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है हाँ भाई मैं तेरे से जेलस हूँ मैं आया ही शो में तेरे को हराने के लिए
मैं हूँ जो हूँ ऐसे, मतलब मैं तेरे से जलता हूँ ऐसे बोलता है. सो ब्रो ब्रो बोलता है, मैं तेरे पे हंस रहा हूँ, मैं तेरे पे हंस रहा था, आई एम लाफिंग एट यू, राइट? तूने मेरा इंसल्ट किया. और तो सिद्धार्थ बोलता है, हाँ मैं तेरे को इस ग्रुप में रखना ही नहीं चाहता, मेरा बस यही है. हाँ अब्दुल्ला भी कह रही थी, एंड यू नो सिद्धार्थ कह रहा था अब्दुल्ला का कोई लॉजिक नहीं होता है. क्यों क्यों नहीं भाई, उसका लॉजिक है, सबका लॉजिक है. जब वो बोलता है कि अब्दुल्ला का लॉजिक है, जो अब्दुल्ला के साथ उसकी लड़ाई हुई थी उसके बाद, मतलब ही इज यूजिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग अगेंस्ट सिद्धार्थ. सिद्धार्थ इज लाइक ही जस्ट वॉक्स अवे, वहां से निकल जाता है. ओके, यहाँ पे एक छोटा सीन है, बट बहुत ही क्यूट सीन है. BFF का मिलन हो रहा है और यहाँ पे थोड़ी चीजें सामने आती है. वॉशरूम के बेड पे अब्दुल्ला मैडम रो रही है, उसको पैनिक अटैक बार बार आता है. पैनिक अटैक कब आता है? जब सिद्धार्थ उसकी पोल खोल देता है, ठीक है? यहाँ पे उसने जो मुखौटा वाला, वो जो वीवो वाला चेयर का, वहां पे कॉन्वर्सेशन हुई थी शहनाज के साथ और अब्दुल्ला के साथ, यहाँ पे मैडम जी की फट गई है बेसिकली. अभी वो सिंपथी ले रही है और वो रो रही है, मैं नहीं, मेरा हो गया, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे जाना है यहाँ से. यहाँ पे आके मोमो अपनी 8 साल की BFF को हक करती है, मैं थक गई हूँ रश्मि, मैं थक गई हूँ, ऐसे वैसे, ठीक है? तो यहाँ पे I मोमो will बोलती है, tell you, tell one, add one point. ये जब कन्वर्सेशन हुई सिद्धार्थ के साथ वो मॉर्निंग में हुई बराबर, हाँ दिन भर तुमने टास्क किया, तुम हाँ इक्विवेलेंटली एग्जैक्ट पार्टिसिपेट हुई, और एंड ऑफ द डे जब उसको उसको हाँ दिख रहा था कि सिद्धार्थ और आसिम अलग हो रहे हैं, तो अब मुझे सबके साथ बना के रखना है बिकॉज मैं वीकेंड के वार के बाद जंप मारूंगी, मुझे किसकी टीम में जाना है. तो हाँ अब मोमो एंड ओएमजी की भी सिंपैथी लिया जा रहा है बिकॉज उसको लग रहा था कहीं ना कहीं मोमो ओएमजी और रामलाल की टीम भी स्ट्रांग हो गई है, अब हाँ मुझे जंप मारना है. तो लेट्स वेट एंड वॉच, जिसका हाँ बगड़ा भारी मैं उधर जंप मारूंगी. उधर जंप मारूंगी. नहीं, बट आई डोंट थिंक, मुझे हाँ शायद था, बट आई डोंट थिंक उसको सिद्धार्थ को छोड़ना था, बिकॉज वो कनेक्शन भी बनाने के चक्कर में बहुत घुस रही थी. बट उसको, जब भी सिद्धार्थ उसकी पोल खोलता है ना, तब उसकी फटती है. वो मुझे नहीं ऐसे लगा कि वो, उसको पता है कि मोमो उसको नहीं लेगी इस तरफ. नहीं, उसको जाना ही नहीं था मोमो की तरफ, क्यों पता है? बिकॉज वो नई होते हुए भी मोमो के साथ ही थी पूरे सीजन में, उसको सिर्फ ये था कि मोमो और ओएमजी का सपोर्ट मेरे साथ बना रहे, कहीं पे भी उन लोग को ये लगना नहीं चाहिए कि मैं तुम लोग के साथ नहीं हूँ. हाँ इनडायरेक्टली वो उन लोग के साथ थी ही. हाँ, उनके साथ ही थी, बट ओपनली नहीं आ सकती थी वो, मोमोज को लेती ही नहीं. बट यहाँ पे हाँ, वो फुटेज ले रही है और मोमो के फैंस के साथ भी वो कर रही है कि मुझे वोट दे दो, मैं थोड़ा साइडलाइन हो रही हूँ शायद, या पता नहीं कुछ हो रहा है. तो यहाँ पे मोमो की बातें आप लोग ध्यान से सुनना, बोलती है, मैं यू नो मेरी चीजें तुझे इनडायरेक्टली मिल जाती है ना, मैंने अपने तरफ से तेरे को स्ट्रेस नहीं दिया है, और तेरे में स्ट्रेंथ है, तू स्ट्रांग है, तू 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 फाड़ सकती है, और तू दिल से मत सोच. मतलब वो ऐसे एक, उसका उसका वो क्या बोलते हैं, उसका गेम आगे बढ़ा रही है. मोमो बोल रही है तू अपने गेम से मत हट, एंड बेसिकली शी इज सेइंग कि दिल से मत कर उसका, कि तू कितना प्यार करती है सिद्धार्थ से. लेकिन ओ अमन, स्नेहा जी गॉट गॉट किक्ड आउट, उनको ऐड करो प्लीज. ऑसम ऑसम. ओके, अभी सडनली, थैंक यू अमन. अभी सडनली अब्दुल्ला को पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है और बोलती है, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं इंडिविजुअली खेलूंगी और मैं अकेले खेलूंगी, और 1-1 होगा, लेकिन जो होगा सामने होगा, और मैं लंबा जाऊंगी रश्मि, मैं लंबा जाऊंगी, अपने पे आई तो लंबा जाऊंगी, ऐसे बोलती है. वो पता नहीं इनका, मुझे लगता है थोड़ा एडिट भी हुआ है सीन. ओके, कैप्टन रूम में फिर से कांटा और यहाँ शहनाज पे और मोमो इज इनडायरेक्टली टेलिंग हर कि हाँ तू जो सिद्धार्थ का इतना करती है ना, स्टॉप डूइंग दैट. मुझे उल्टा लगा एक्चुअली.
वो एक नैरेटिव दे रही थी, मुझे लगा मोमोन एक नैरेटिव दे रही थी ऑडियंस को कि ये बहुत करती है सिद्धार्थ का, लेकिन अगर वो सामने से नहीं कर रहा है तो तू मत कर. मतलब शी वाज गिविंग अ नैरेटिव कि शी इज दिस यू नो दुखियारी लड़की एंड सिद्धार्थ इज बीइंग द एग्रेसिव वन एंड सिद्धार्थ उसको भाव नहीं दे रहा. लुक हाउ बैड सिद्धार्थ इज. मतलब उसको इट वाज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. मतलब उसको चिड़िया भी मारनी है, लाठी भी नहीं तोड़, जो भी सांप भी वो व्हाट एवर दैट सेइंग इज. मतलब इधर से भी लड्डू उधर से भी लड्डू, ऐसे ये मोमो का था. हाँ, इमोशनल दुकान बंद कर. मतलब वो दुकान थी ही नहीं खोलने के लिए या बंद करने के लिए, बट वो एक इमेज दे रहे थे ऑडियंस को कि मो अब्दुल्ला कितना करती है. स्वीट लाइम काट के दिया उसने. हम अगर भूल गया तो मैं याद दिला दूं सबको, उसने स्वीट लाइम काट के दिया था. तो लेकिन वो परवाह नहीं कर रहा है, देखो वो कितना गंदा आदमी है. ऐसे आई आई फेल्ट स्ट्रॉन्गली दैट शी वाजंट जेन्युइनली टेलिंग हिम कि सिद्धार्थ से हट जा. अगर वो सिद्धार्थ से हट जाएगी कि दोनों की गेम क्या बचेगी फिर. सो आई डोंट नो, दैट्स आई फील स्ट्रॉन्गली दैट दीज गाइज वर अच्छा, जस्ट वो नहीं हो ट्राइंग. सकता है बिकॉज आई डिडंट थॉट द अदर वे आउट. गुड पॉइंट. हाँ, लेकिन बिकॉज ये लोग दोनों ही उसको उसको बदनाम करने के लिए आए थे ना कि ये इंसान ही है, ये बच्चा है, ये खुद की सोचता है, उसको सबको सुनना किसी किसी और की सुनना नहीं होता है ऐसे. वो लोग वो ओके. ही प्रूव करना चाहता था कि सिद्धार्थ इज नॉट कंसर्न अबाउट यू, तुझे डोरमैट की तरह ट्रीट कर रहा है नॉट. हाँ, वो ये जो एग्जैक्टली. तू नैरेटिव इतना कर रही है, तू इतना कर रही है उसके लिए. स्वीट लाइम काट के गई थी उसके लिए, लेकिन चाहे आधा तूने खा लिया हो देने से पहले, बट स्वीट लाइम काटा था. तो ये पूरा एक देवर पेंटिंग एन इमेज कि वो कितना करती है. बिकॉज वो भी बोलती है ना काटा से, सिद्धार्थ मेरे को बोलता है ना तू तू यू नो बकवास कम कर. मैं वहां पे रुक जाती हूँ बिकॉज मैं उसको साइड में जाके बोलती हूँ. मतलब ये सब पूरा एक बकवास सा स्टूपिड गुड्डा गुड्डी का पेंट कर रहे थे. वो अभी भी करती है आई थिंक. एनीवे ठीक है, अभी का हम बात नहीं करेंगे. ओके, कैप्टन रूम में शहनाज और कांटा बात कर रहे हैं, ब्रो के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे कांटा इज ट्राइंग टू टर्न द टेबल्स एंड ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ शहनाज की एक टास्क में ये दोनों का इतना क्या हुआ ऐसे. मतलब ओ आई एम सो इनोसेंट, कांटा का इमेज दे रही है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक टास्क में इनका इतनी लड़ाई कैसे हो गई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है. ऐसे कांटा वॉज ट्राइंग टू शो कि उसे कुछ पता नहीं. यहाँ पे शहना सीधा बोलती है मेरी वजह से है कि बिकॉज क्यों नहीं बोलेगी. ये तो ब्रो ने चीख चीख के कैप्टन रूम में 2 दिन पहले ही बोला था कि तू इसके साथ आ गया, और वो तो वो सीधा बोलती है हाँ शायद मैं उसके साथ मिल गई तो वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है. तो एनीवे फिर कैप्टन रूम में, अच्छा कैप्टन रूम में हाँ अच्छा यहाँ पे अच्छा कोई एक सवाल है कि अब्दुल्ला बीइंग सिद्धार्थ प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी का आई थिंक सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं. जैसे अब्दुल्ला आई थी सिद्धार्थ की प्रॉक्सी बन के और मोमो का प्रॉक्सी बन के आया था रामलाल आई थिंक. मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मेड अप लगता है, दिस इज माय ओपिनियन. दिस प्रॉक्सी क्रैप इज आई थिंक जस्ट टू आई फील टू शो दैट ये जो बाहर की गेम चल रही थी और बाहर की गेम चल रही है उसको मतलब इनका क्या बोलते हैं, इनको रनवे देने के लिए, इनको फुटेज खाने के लिए सिद्धार्थ के नाम पे कोई प्रॉक्सी बन के नहीं आया था. बिकॉज द वे सिद्धार्थ ऑपरेटेड हिज गेम, इफ यू लुक एट हिज गेम, वो 1-to-1 रखता है. और वो क्या कहते हैं उसको, मतलब मतलब उसने जब अब्दुल्ला का वो हार्ड टास्क में, फर्स्ट टास्क में अब्दुल्ला का किया था, वो बोलता है कि हाँ वो बाहर से फ्रेंड है. उसके बाद उसने अब्दुल्ला को कभी बचाया ही नहीं. हाँ टीम में रखा, बट ब्रो और अब्दुल्ला की सब गेम चल रही थी, बट उसने कभी अब्दुल्ला को बचाया नहीं. ऐसा नहीं था, सिद्धार्थ डजंट नीड एनीबॉडी टू लास्ट इन द गेम. सिद्धार्थ डजंट नीड एनीबॉडी पीरियड.
पीरियड, ये अपना अपने आप को दिखाने के लिए कि हमारा पहले से कनेक्शन है, मेरा नाम उछाला गया था और मैं एक बड़ा फेवर करने आई थी इधर। भाई वो फेवर, वो उसने घर के अंदर जाने से पहले अब्दुल्ला मैडम ने इंटरव्यू दिया था, 3-4 इंटरव्यूज दिए थे वहां पे। उसने बोला मैं 3-4 साल से ट्राई कर रही हूँ बिग बॉस में आने की, अभी मेरा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉक्सी बनना उसके लिए वो नहीं था। शी वॉन्टेड टू कम, शी डेस्परेटली वॉन्टेड टू कम बिकॉज उसको कई सालों से काम भी नहीं मिल रहा था। और वो उसने कहा भी है शो में कि वो डिप्रेशन में चली गई थी, उसको शोज भी नहीं मिलते थे। एक उसकी सीरियल में वो बहुत पॉपुलर हो गई थी, फिर उसके बाद उसका ठप हो गया था। तो यहाँ पे वो अपनी अपने आप को रनवे देने के लिए, अपने आप को लाइफ थोड़ा और उसका बढ़ाने के लिए बिग बॉस से जितना निचोड़ सकती है वो निचोड़ रही है। सभी कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, बिग बॉस 13 की बातें अभी भी करते हैं बिकॉज उनको बिग बॉस 13 के बाद कुछ काम ही नहीं मिला। सिद्धार्थ शहनाज कहीं आगे निकल गए, दे आर नॉट इन दैट जोन एट ऑल। बट ये लोग वहीं वहीं पे हैं बिकॉज उनके पास उसके बाद ना कुछ काम मिला है ना कुछ हुआ है। तो यहाँ पर ये प्रॉक्सी की बात क्यों आई है, टू शो कि हमारा तो ऑर्गेनिकली हुआ, नेचुरली हुआ, जो भी कनेक्शन हुआ हमारा है, लेकिन हम पहले से ही एक साथ आए थे बिकॉज मैं यहाँ पे फेवर करने आई थी। आई एम लाइक द फक, आई मीन सॉरी, द आई मीन दिस इज लूडिक्रस, इट्स एब्सोल्युटली लूडिक्रस। देयर इज दिस दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट होल्ड एनी वाटर। इसको मतलब मुझे वो ही नहीं लगता। एनीवे दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट इट। राधिका वो या सिद्धार्थ की प्रॉक्सी बन के आई थी, लेकिन सिद्धार्थ डे की हाँ, मे बी दे गॉट द सिद्धार्थ मिक्स्ड अप, दैट्स अ गुड वन। हाँ एब्सोल्युटली, वो हो सकता है, दैट आई कैन बाय बिकॉज़ डे बोलता है, ते मेरे वजह से तू इस शो में आई है। हो सकता है, आई थिंक दे जस्ट मिक्सिंग अप, वेरी स्ट्रेटेजिकली मिक्सिंग अप द या सिद्धार्थ। सरनेम चेंज मच्छर करना की भूल प्रॉक्सी गए। बन सकती है वो। हाँ वो मैं हाँ आई कैन बाय दैट थ्योरी। हाँ दैट्स फनी, दैट्स ऑसम स्नेहा। ओह गॉड, यू आर गुड विद मुझे योर वही वर्ड्स। लग रहा है कि जब जो लोग प्रॉक्सी की बात कर रहे हैं ना, मतलब मैंने हाँ ये चीज पहले भी सुनी थी, मैंने तभी भी किसी को कमेंट किया था कि वो सिद्धार्थ शुक्ला की नहीं, सिद्धार्थ डे की प्रॉक्सी बन के आई थी। हाँ मच्छर और अब्दुल, आई कैन टोटली सी। हाँ बिकॉज उसके भाई ने भी बोला, यू you नो know, बोला था कि कनेक्शन बनाओ इसके साथ ही, डे के साथ। हाँ हाँ सही है, रब ने मिला दी जोड़ी। नहीं, अभिष यू नो कृष्णा ने मिला दी जोड़ी। फैंटास्टिक। ऑल राइट, कैप्टन रूम में सिद्धार्थ और शहनाज की कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे शहनाज ट्रैक सूट में बिंदी लगा के, क्यूट बाल बना के, स्ट्रेट हेयर बना के बैठी है। अमेजिंग अमेजिंग, ओ मैन दिस गर्ल इज सो क्यूट, सो अडोरेबल। और यहाँ पे सिद्धार्थ के साथ बात कर, एकदम गोल मटोल है वो इस सीन में, क्यूट, एंड ओ माय गॉड। मैं बोलती हूँ कुछ बता ना क्या बात हुई। हाँ कि वो यू नो वो तो बड़ा खुश लग रहा है और तू तू बिल्कुल उस तू बिल्कुल उल्टा लग रहा है, मतलब सैड लग रहा है तू। तो सिद्धार्थ यू नो बोलता है कि यू नो बातों से, तो वो पूछती है यू नो घर से रिलेटेड थी, ही सर हाँ घर से रिलेटेड थी। और जब आप किसी की केयर करते हो तो आप उसको बताते हो, समझाते हो, और अगर वही उंगली फिर आप पे आती है और आपके अगेंस्ट आती है तो फिर मैंने बहुत किया डे वन से, मैंने बहुत लेट गो किया। मैंने मतलब इंसान सही नहीं है, ये सारी चीजें ही इज टॉकिंग अबाउट ब्रो। और वो बहुत अपने दिल की बात शेयर करता है शहनाज के साथ। तो यहाँ पे इनका बॉन्ड दिखाई देता है बिकॉज कैप्टन रूम में बैठ के ये जो बातें कर रहे हैं, सिद्धार्थ न्यू कोई कान नहीं लगे हुए हैं, तो यहाँ पे अच्छा, दिस इज हाउ दे टॉक टू ईच अदर। ये हमको बहुत कम दिखाया गया था बट जितना भी दिखाया गया था इट जस्ट शोज द ट्रस्ट इन देयर बॉन्ड, द स्ट्रेंथ इन देयर बॉन्ड। एंड उनको पता है कि ये एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे और
इन इनके बातों का गेम के लिए जो भी है. बहुत अच्छे से अपना मन हल्का करना जिसको बोलते हैं वो सिद्धार्थ कर रहा था, और वो सिर्फ शहनाज के सामने ही सेफ फील करता था. बिकॉज उसको कितना पोक किया गया, उसको कितना भड़काया गया था शहनाज के खिलाफ, राइट, कि ये है वो है, भरोसे के लायक नहीं है फलाना. बट यही है, बिकॉज सारी दुनिया एक तरफ, जोरू एक तरफ टाइप में था वो. ओके, सो यहाँ पे इंसान सही नहीं है, साथ रहने के लायक नहीं है. जो चीजें अभी हो रही हैं, मैं किसी हद तक मुझे समझ में आता था, बट मैंने वो लेट गो किया. मतलब ही सीन दीज शेड्स ऑफ ब्रो सिंस द बिगेनिंग, सिंस डे वन, एंड ही इज लाइक आई हैव लेट गो, बिकॉज उसका जो भी अफेक्शन था, जो भी था, वट एवर, मैं हमेशा से जानता था दैट हमारी एक टीम थी लेकिन हम कभी साथ नहीं थे. ओके, विच इज अ वेरी डीप थिंग टू से, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू से, कि वी वर टुगेदर, मतलब एज अ टीम, बट वी वर नेवर फॉर ईच अदर. एंड उसको पता था, बिकॉज वो जो सब टीम थी उसने पहले ही सूंघ लिया था, रोस्टास से पहले ही सूंघ लिया था कि ये क्या हो रहा है. तो शहनाज बैठ के एक लाइन बोलती है, दिस इज हर मास्टरमाइंड. इसका दिमाग ऐसे चलता है. उसका आउटवर्डली उसका एक एंटरटेनिंग था, सब उसमें रह गए, अंदर से वो बोलती है अभी सब लोग इसका फायदा उठाएंगे. उसको पता था, बिकॉज दिस वॉज वन अ गुड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिर्फ सिद्धार्थ की वजह से था, और बिकॉज सिद्धार्थ ने जोड़ के रखा था. अभी जब सिद्धार्थ इज लेटिंग गो, देन वो बोलती है कि सब लोग फायदा उठाएंगे सीधा सीधा. ओके, यहाँ पे एक छोटा सीन है विच इज स्टूपिड, बट ये कैप्टन रूम में देखना, चिरकुट, काटा, ब्रो और फ्लॉप, तो अभी इनकी एक टीम बन रही है, और ब्रो पूरा इस तरफ इन पंप ले रहा है, उसको पंप दे रहे हैं और उसको सपोर्ट मिल रहा है, बिकॉज ब्रो के नॉट स्टैंड अलोन, ही इज नॉट अ स्टैंड अलोन काइंड ऑफ गाय, राइट. उसको लाइक मोमो की तरह उसको भी झुंड चाहिए. ओके, तो वो यहाँ पे, उसको पता है काटा स्ट्रांग है, और फ्लॉप और चिरकुट आर जस्ट बेसिकली नंबर्स, दे आर जस्ट वार्म बॉडीज टू गिव वोट देने के लिए. बट वो काटा से बहुत अच्छा कनेक्टेड था. तो यहाँ पे बेसिकली चिरकुट अपना लाइक मासी के लिए चिड़ निकाल रहा है और कुछ नहीं. कि मैंने इसके जैसे बहुत लोग देखे हैं, ये क्या मेरा पर्दाफाश करेगा, ये वो, ही स्टिल स्टक देयर ओनली, और उसका ईगो बहुत गंदा हर्ट हुआ था. ठीक है, Why? Because, हाँ, okay. See the game of चिरकुट. तुम जब तुमको बेनिफिट चाहिए था तो तुमने एक्स वाई जी बोल के उसका वोट ले लिया. अब हाँ जब उसने तुम्हारी प्लेट तोड़ दी तो तुमको मिर्ची लग रही. हाँ एग्जैक्टली. सो दैट्स वाई ही वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड ऑन मासी. अदरवाइज उसको जरूरत ही नहीं थी. जबकि वो सोच सकता था कि अरे उसने मुझे अभी, मैं वन मतलब वन वन हो गया हमारा, अब नाउ नथिंग, देयर इज नथिंग. बट वो उसकी उसका भी वही था कि सब मेरे लिए करो एंड आई हाँ, विल प्ले माय गेम. या एवरीवन वाज सेल्फ सेंटर्ड. ओके, सो यहाँ पे मॉर्निंग सॉन्ग चालू, रंग दे बसंती गाना लगता है, और यहाँ पर मोमो, सॉरी, मासी फिर से मसला के क्विल्ट के साथ खेलता है. ये देखना, ये बैकग्राउंड में चलता है, हाईलाइट नहीं होता है, बट ये चीजें समझने के लिए इम्पोर्टेंट है गेम के अकॉर्डिंग, बिकॉज मासी एंड मसला वर ट्राइंग टू बिल्ड सम काइंड ऑफ अ कनेक्शन इन द बैक एंड, मतलब पैसिवली कर रहे थे ये लोग. ओके, सो गार्डन एरिया में सब लोग बैठे हुए हैं, खेसारी, ब्रो, शहनाज, कांटा, फ्लॉप, और यहाँ पे फिर से खेसारी चालू हो जाता है शहनाज को पोक करने के लिए. फिर से मतलब ही इज अगेन अटैकिंग शहनाज गंदे तरीके से. ओके, इधर सिद्धार्थ अंदर बैठा है,
तो मौके का फायदा उठाते हुए अब्दुल्ला मैडम पहुंच गई और सिद्धार्थ से बात करती है कि क्या बोला उसने, क्या चल रहा है तुम दोनों का, मुझे बताओ मुझे बताओ, मेरे भाई की कसम मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वही तो बेसिकली अब्दुल्ला वांट्स टू नो कि गाड़ी कहाँ तक पहुंची है और कितना और हम इसको आगे बढ़ाना है या हमारा काम हो गया है या नहीं ऐसे। तो अब्दुल्ला यहाँ पे शी डिडंट केयर, शी डिडंट गिव अ रैट्स ऐस कि सिद्धार्थ कैसे फील कर रहा है, कुछ नहीं, बस उसको चाहिए था कि कहाँ पे है सीन और आगे कैसे इसको बढ़ाना है। तो सिद्धार्थ सीधा बोलता है कि वो चीजें बहुत मेरी चीजें मेरे पे ही डाल रहा है बेसिकली, वो नॉर्मल इंसान नहीं है। तो नाउ ही वॉन्ट्स टू सी अब्दुल्ला क्या करेगी। तो फिर से किचन में शहनाज की ड्यूटी लगी हुई है बेचारी की, वो फिर से बर्तन की ड्यूटी कर रही है। तो यहाँ पे शी गेट्स वेरी अनकंफर्टेबल विथ व्हाट व्हाट खेसारी हैज बिन डूइंग ऑल ऑल डे ऑल वीक लास्ट वीक दिस वीक। तो वो बोलती है, और यहाँ पे मासी उसके बाजू में खड़ा है और बोलती है कि यार तुम सब लोग मेरे को डिप्रेशन में डाल दोगे ये गंदे गंदे जोक्स करके। तो यहाँ पे खेसारी आके उसको हक करता है, मैंने क्या किया, बहुत गंदा गंदा आदमी है खेसारी, बहुत ही गंदा, मतलब लीचड़, पता नहीं क्या वर्ड्स, मुझे मेरा मुंह खराब नहीं करना है बट आई थिंक मैं कर रही हूँ ये बोल के, ही इज अ वेरी डर्टी मैन एंड अ डर्टी माउथ। वो उसका है ना, पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, वो एक बहुत गंदे साइड ऑफ हिज पर्सनैलिटी ही वाज शोइंग। शायद इसी वजह से उसको जल्दी निकाल भी दिया है, बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम, देयर इज वन एक्स कंटेस्टेंट दीपक ठाकुर, ही वाज आल्सो फ्रॉम बिहार। तो उसके मुंह से, उसके तरफ से उसका एक इंटरव्यू था जिसमें मैंने सुना कि पीपल ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश वेर रूटिंग फॉर हिम, मतलब बहुत उन लोग, उन बहुत क्रेज है बोलता है उनमें इस एक्टर का, एंड द वे ही वाज बिहेविंग विद शहनाज, तो उसको बहुत बोलते नेगेटिविटी मिल रही थी, तो उस वजह से आई थिंक उसका करियर ना बिगड़े उसको निकाला गया वहां से। हाँ, बहुत गंदा गंदा आदमी है, डर्टी डर्टी मैन, डर्टी इंटेंशंस, डर्टी, जस्ट अ डर्टी मैन पीरियड। फिर यहाँ पे फिर से ब्रो, ब्रो आता है इसमें। ब्रो वहां पे काउच पे बैठ के पोक कर रहा है उसको, उंगली कर रहा है खेसारी को, शहनाज को पोक करना है बिकॉज सबका टारगेट शहनाज थी बिकॉज सिद्धार्थ अंदर था। तो शहनाज बेसिकली वही करती है फिर से, वो शी गिव्स इट बैक टू खेसारी एंड ब्रो उसको बोलता है खेसारी को बोलता है यार अभी ये तेरे पीछे पड़ जाएगी, उसने डे के साथ भी यही किया था। मैंने कहा कब किया ये, वो तो कुत्ते की तरह पीछे पड़ा हुआ था उसका, उसका तो पॉटी माउथ बंद ही नहीं हुआ उसका, मतलब चल ही रहा था। और मैंने कहा शहनाज ने कब टॉर्चर किया, शहनाज ने किसी को कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पे ब्रो बोलता है नहीं भाई वो तेरे पीछे भागेगी तेरा, तो फिर शहनाज बाहर मतलब सिंक के इस तरफ आके बात करना शुरू करती है कि अच्छा मैं करूंगी, मैं पो करूं, मैं और ज्यादा करूंगी ऐसे वैसे कुछ बोलती है। तो फिर ब्रो वॉज ट्राइंग टू पुट इन टू ऑडियंस, ब्रो को दिमाग देखो कितनी गंदी चलती है यहाँ पे, कि हाँ वो जो स्नेक एंड लैडर टास्क में हुआ वो ब्रो अब निकाल रहा है। अब निकाल रहा है एग्जैक्टली हाँ, जबकि सलमान खान ने भी क्लीन चिट दे दी कि शहनाज वहां पे क्लीन कुछ नहीं कर रही थी, बट हाँ ब्रो को अभी ऑडियंस के दिमाग में डालना है कि गंदा तुम है लोग ब्रो जैसा, इज हाँ या बहुत गंदा है, बहुत बिकॉज बहुत गंदा। उसने, तो यहाँ जब हम पे लोग देख रहे हैं ना अभी डिकोडिंग करते वक्त, अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं ना, तब समझ में आ रहा है कि, बिकॉज मैंने बहुत हद तक ब्रो की गेम निगलेक्ट की थी, आई विल ट्रूली स्पीकिंग, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ब्रो एंड अब्दुल्ला वेर प्लेइंग इक्वल डर्टी। इक्वली इक्वली डर्टी या बहुत, एटलीस्ट ब्रो आगे से निकल गया उस टीम में तो उसका पता चल गया था, अब्दुल्ला नहीं गई तो दैट्स बट या बोथ
बट डे वन से दे वर प्लेइंग, दे जस्ट यूज्ड यू नो सिद्धार्थ, ये टीम टीम को एक आई मीन घंटा टीम, ये टीम की डेफिनेशन ये नहीं होती है. तो इधर शहनाज बाहर आके मतलब सिंह के बाहर आके बोलती है ना कि अच्छा वो जो मिट्टी का वो पीछे पड़ी थी, आई थिंक वो उसके बारे में स्नेक्स एंड लैडर्स का वो निकाल रही थी, राइट, निकाल रहा था ब्रो. तो यहाँ पे यू नो शहनाज को बोलता है जा जा तू अपने बर्तन जाके कर. तो बोलती है हाँ फिर तू तू भी जाके अपना यू नो बेडरूम कर. हाँ वो तो सिद्धार्थ का काम है, उसको बोल. तो क्यों सीधा टारगेट है तुम्हारा ऐसे. तो शी कॉल्स आउट ऑन हिज गेम, ओके, और सीधा टारगेट है तुम्हारा, तुम चाहते हो कि वो आए ऐसे, तो फिर तू कर दे उसका काम. ही सेड हाँ मैं करूंगी, मैं उसका काम भी करूंगी. तो यहाँ पे वो पूरा उसका यू नो बर्तन साफ करके अंदर जाके यू नो बेडरूम करती है. तो सिद्धार्थ आके यू नो बोलता है तू यहाँ क्या कर रही है. तो नहीं नहीं दो दो लोगों की ड्यूटी है. तो इज लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस. फिर यहाँ पे ब्रो अंदर आता है. ब्रो को ही वांट्स टू, जब ब्रो हैज टू गिव इट बैक, ही उसका ईगो इतना है कि वो छोड़ता ही नहीं है, च्यूइंग गम की तरह पकड़ लेता है. अभी उसको किसी ना किसी तरह उसको पंप मिल गया है, उसको वो फुल फुल है, अभी रेडी है, ही इज रेडी टू लॉन्च. नाउ ही वांट्स टू अटैक सिद्धार्थ. वो पूरी प्लानिंग करके अंदर आता है बेडरूम में और उसको लड़ना है, बस वो लड़ने के लिए आया है. और जैसे इनका चालू होता है ना लड़ना, यू नो बातें करना कि तू क्या बकवास कर रहा है, ये कर रहा है ड्यूटीज के बारे में, अपनी दो दो स्नेक्स, टू टू हेडेड स्नेक्स, दो दो सर वाले सांप होते हैं ना, वो एक है अब्दुल्ला एक है काटा. दो सर है उनके और दोनों बेडरूम में आके बैठ जाती हैं कि चलो अब ये तमाशा देखते हैं, दिस इज फन, दिस इज गोइंग टू बी फन. तो दोनों अंदर आती हैं और देखती हैं. और यहाँ पे फर्स्ट शहनाज आके उसको लाइक धक्का मारती है. फर्स्ट क्या बोलते हैं, ह्यूमन शील्ड का सेकेंड लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम देखते हैं, वो धक्का मारती है आसिम को. Nobody else does that. फिर जब वो करती है तब कांटा और अब्दुल्ला को लगता है अरे भाई वो ले रही है फुटेज, हमें भी करनी चाहिए. तो यहाँ पे अब्दुल्ला is putting words in everybody's minds, thoughts in everybody's minds, not words, thoughts, कि तू उसको चढ़ा मत, उसको चढ़ा मत, उसको चढ़ा मत, ऐसे बोलती है अब्दुल्ला और उसको पकड़ने की कोशिश करती है. और you know सिद्धार्थ उसका हाथ हटा देता है अब्दुल्ला का, he like doesn't want to do anything with अब्दुल्ला. और हाँ it's और same like snake and ladder task में वो बोलता है ना हाथ मत उठाओ, हाथ मत उठाओ. हाँ जो announcement करती रहती है ना continuously snake and ladder task में, exactly so same यहाँ पे भी वही कर रही थी, ताकि ताकि दोनों जन हाथ उठाए and Big Boss action ले and और ये दोनों को बाहर निकाल. और ये एंड में अच्छी दिखे कि ये उसको चढ़ा, मतलब बहुत ओवर ओवर कि मैं ही एक दिन पहले रो रही थी कि मेरा हो गया, मेरा हो गया, और यहाँ पर यहाँ पे आके अपना फिर से चालू हो गई. तो यहाँ पे सिद्धार्थ उसको आई टू आई कांटेक्ट करके बोलता है कि अब ब्रो को तेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि तू मेरे साथ है. और फिर यहाँ पर ऐसे कुछ दो तीन चीजें बोलता है. यहाँ पर अब्दुल्ला फिर से ब्रो के ऊपर पूरा ब्लेम डालने की कोशिश कर रही है, बिकॉज वो कल से उसका प्लान था, दो दिन से प्लान चल रहा है कि सिद्धार्थ के माइंड में डाले कि ब्रो इज द बिगर दगाबाज, मैं तो हमेशा से तेरे ही साइड थी. तो फ्लॉप फ्लॉप क्यों पीछे रहे, फ्लॉप आ जाती है, फ्लॉप बोलती है कि फिर चिरकुट भी आता है, देखता है क्या हो रहा है. और यहाँ पे फिर फ्लॉप बोलती है, अब्दुल्ला चालू हो जाती है, बोलती है कि ये टारगेट कर रहा है, टारगेट कर रहा है, व्हाटएवर. और ड्यूटी है तो ड्यूटी की बात करो, और यू नो ड्यूटी सही से करो. बहुत सही बन रही है अब्दुल्ला, मतलब बहुत ही मतलब एकदम यू नो नेता बन रही है वो इधर. और यहाँ पे फ्लॉप आके बोलती है कोई बोल रहा है टारगेट है, टारगेट है, कोई बोल रहा है झाड़ू झाड़ू, आप शुक्ला जी को टारगेट कर रहे हो सब. मतलब वो बेसिकली अब्दुल्ला को बोलती है कि तुम लोग शुक्ला जी को टारगेट मत करो.
वो आके अभी शुक्ला जी की आवाज बन रही है मैडम, बिकॉज उसने देखा कि शहनाज उसको कर रही है, वो भी क्यों पीछे हटे। फिर ये लड़ाई यहाँ पे रुक जाती है। फिर किचन में ब्रो फिर से शहनाज को टारगेट करता है एंड ही स्टार्ट्स येलिंग। उसको देखना, ब्रो के नेक पे वेन्स बाहर आते हैं, मतलब ही इज लिटरली लिटरली ही इज, उसकी पूरी जो चिढ़ थी वो शहनाज पे निकाल रहा था। ही हैड गॉन मेंटल, मतलब ही वॉज सो लिविड, ही डिडंट नो वो क्या बोल रहा है। और लास्ट में बोलता है, तू उसके लिए कर रही है ना, वो भी जानता है तेरे बारे में। ही सेड, तो अच्छी बात है, तो वो जानता है मेरे बारे में, तो अच्छी बात है। तो फिर यू नो बेडरूम में अब्दुल्ला बैठी है, सिद्धार्थ वहीं पे है, और यहाँ पे फिर से फ्लॉप की स्टार ये खेसारी जी को इतना पंप, ये सारी बात खेसारी जी से शुरू हुई है और उनको इतनी छूट किसने दी है, ये बेसिकली घूम फिर के फिर शहनाज पे ही आती है। इनको इतनी छूट किसने दी है, अगर आके आके बात करे मेरे से, उनकी हिम्मत नहीं होती मेरे से बात करने की, ऐसी चीजें। तो यहाँ पे अब्दुल्ला फुल, अभी सिद्धार्थ तो आगे बैठा है, दिस इज हर टाइम, अभी लोहा गर्म है, तो बोलती है, आपको कुछ पता है इसके बारे में, आप क्या क्या बोल रही हैं, आप क्या बकवास कर रही हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है। अगर अगर शहनाज अगर मैं होती शहनाज की जगह तो मैं भी ऐसी रिएक्ट करती। मतलब शी इज पुटिंग शहनाज इन हर सेल्फ इन द सेम सेंटेंस टू से कि आई फील व्हाट शहनाज इज फीलिंग। ये पूरे थॉट्स वो नैरेटिव दे रही थी ऑडियंस को, और शी वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू सिद्धार्थ सेट। सिद्धार्थ वॉज ऑलरेडी शट ऑफ फ्रॉम अब्दुल्ला, बट वो ट्राई तो करती रहेगी और वो ऑडियंस के माइंड में ये नैरेटिव डाल रही थी, और कि मतलब हम लोग साथ में थे, यू डोंट नो एनीथिंग। अभी तक तो फ्लॉप की चाट रही थी ये बंदी, हाँ, कि क्या हुआ है मुझे भी बताओ, क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई है, उसके आंसू पोंछ रही थी 3 दिन पहले, और अभी सडनली चीखे मार रही है ये नहीं, वो बंदी उसकी जो, फैन थी हाँ प्रेजिंग द सॉन्ग्स एंड ऑल, तुम इतना करने एग्जैक्टली के बाद हाँ, यहाँ पर वो सडनली 2 दिन बाद उसका पूरा शी फ्लिप्स अ कंप्लीट 180 ऑन फ्लॉप। तो यहाँ पे फिर फ्लॉप भी बोलती है, ये शहनाज और ब्रो के बीच में है, ये लोग लड़े मरे, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि सिद्धार्थ जी को बीच में लाया जा रहा है। लाइक ओ भाई साहब, इसको सिद्धार्थ की बड़ी परवाह है। तो यहाँ पे अब्दुल्ला इज लाइक, हाँ ये मेरी जगह लेनी चाहती है, ये कौन होती है, तो ये उस पे चढ़ती है, आपको कुछ पता है आप। तो यहाँ पे जो अब्दुल्ला और सिद्धार्थ की बात होती है ना ब्रो के बारे में, बेसिकली जो अब्दुल्ला जाके लेने की कोशिश करती है चीजें, यहाँ पे बोलती है, क्या आपको सिद्धार्थ ने कुछ कुछ बताया है, आपकी आपकी डिस्कशन हुई है सिद्धार्थ के साथ, मतलब ये बोल रही है कि मैं बात करती हूँ सिद्धार्थ के साथ, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, आई नो एवरीथिंग, मैं उसके दिल की बात यू नो जाती हूँ, मैं उसके दिल के करीब हूँ, ये नैरेटिव डाल रही थी वो लोग माइंड में। ओके और ये उसका चला भी, बिकॉज चैनल ने भी, तो सबको लगा कि अब्दुल्ला तो भाई उसकी फ्रेंड है, प्रॉक्सी है, जो भी है, मट्टी है, कुछ भी नहीं थी वो, घंटा कुछ नहीं थी उसका, फ्रंट स्टेप बैक स्टेप सब करने आई थी वो, बिकॉज उसकी लॉयल्टीज थी उसकी BFF, 8 साल की BFF के साथ। सिद्धार्थ से कोई लेना देना नहीं था, सिद्धार्थ वॉज जस्ट ए मोहरा, सिद्धार्थ वॉज जस्ट ए समथिंग शी कुड यूज एंड शी स्टिल इज यूजिंग, आई विल से दैट विद कॉन्फिडेंस। या यहाँ पे सब लोग पूछ रहे हैं कि सिद्धार्थ क्यों नहीं कभी उसके अगेंस्ट गया, अब्दुल्ला के अगेंस्ट। सिद्धार्थ उसके अगेंस्ट ओपनली उसने गेम्स उसकी खोली हैं, एक तो अब्दुल्ला के साथ 1-on-1 उसने बोला है, और जितना हमें दिखाया गया है, मुझे लगता है ये चैनल का नैरेटिव था, ये नेपोटिज्म की क्यूट सी बच्ची है, उसको Top 5 ले जाना था, तो ये चैनल की एडिटिंग भी है, और लेकिन सिद्धार्थ ने जैसी उसकी गेम खोली थी वो चैनल उसको छुपा नहीं सकता था। व्हेन व्हेन सिद्धार्थ बिकेम द कैप्टन, जहाँ पे ये पैनिक अटैक फेक करती है
वो दे कुड नॉट हाइड इट, बट वो एक अनसीन था जो सिद्धार्थ उसको वॉशरूम एरिया में, वो यू नो चेंजिंग एरिया में जाके बोलता है तुम मैं फ्रेंड्स नहीं है, बाहर से जानते थे तुम, कोई मेरी वो क्लोज फ्रेंड नहीं थी। और यहाँ पे उसके बाद देखना चैनल ने दिखाया, चैनल का नैरेटिव था सिद्धार्थ केप्ट हर एट अ डिस्टेंस, दैट्स व्हाई आई फेल्ट, आप अब्दुल्ला के एक्शंस हो, शी वेंट फुल फोर्स बिकॉज उसको कहीं ना कहीं पता था कि ये दिखाया नहीं जा रहा है बाहर, जैसे सिद्धार्थ उसको उसको काउंटर करता है। और जब भी शहनाज ने बाद में सीक्रेट रूम के बाद जब शहनाज ने सिद्धार्थ को बोला है कि तेरे पीछे लोग जेलसी बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तब पता है कि अब्दुल्ला पीछे से बहुत पोक कर रही है उसको। ये जो नैरेटिव था उसको वो जेल के टाइम पे पता था, तो वहां जाके वो रोक देता है, वो अनसीन उसके बाद ही है। वो जो मेरा नाम उछाला गया था ये वो अनसीन दिवाली वीकेंड पे है, विच इज आफ्टर थिंग टू से कि तू घर से फ्रेंड्स नहीं है, तो बोलती है हाँ जो हुआ यहाँ पे ऑर्गेनिकली नेचुरली इज लाइक चुप बैठो शट अप बोलता है उसको। तो ये ही गिव्स इट, बट द चैनल डिड नॉट शो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज वो वीकेंड के वार पे ही यूज गैदर कि क्या हो रहा है। दिस इज माई थिंकिंग, बट हम आगे बात करेंगे। फॉर एंड मी ही ऑल्सो उसको पता. सॉरी टू कट यू, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू. नो, ऑल्सो वन थिंग इज ही डिड नॉट वॉन्ट अब्दुल्ला टू गो ऑन मोमो साइड बिकॉज ही न्यू उनका बॉन्ड, एंड ऑल्सो उसको मोमो को स्ट्रांग बनाना नहीं था, उसको इसको इस तरफ ही लाना था बिकॉज उसको पता है ये लोग 8 साल से फ्रेंड्स है। गो ऑन, सॉरी। हाँ, मुझे भी यही बोलना था कि ही डिडंट वांट, मतलब अब्दुल्ला उसके लिए, उसको पता चल गया था अब्दुल्ला का गेम, वो क्या कर रही थी, वो कैसे शहनाज के दिमाग में भर रही थी, कैसे ब्रो के दिमाग में भर रही थी. लेकिन ये भी था ना कि उसको एक वोट ने आगे यूज किया. एब्सोल्युटली ठीक है। ओके सो ये पूरे एपिसोड में यही है कि सिद्धार्थ ट्राई टू, इसके बाद भी एक सीन है जहाँ पे सिद्धार्थ ट्राई करता है ब्रो से बात करने के लिए, बट ब्रो की जो एटीट्यूड है, ब्रो का जो टोन है, वो देख के बोलता है कि तुम मुझसे ये एटीट्यूड में मत बात कर. ओके सो यहाँ पे ब्रो का ये अब्दुल्ला बोलती है ना इसको कि आपको की कुछ स्टार पता है, ये है वो है वो है, तो यहाँ पे फ्लॉप बोलती है कि यू नो डिस्कशन वगैरह सेपरेट है। वो बोलती है ना कि आप आपसे सिद्धार्थ ने डिस्कस किया, ये किया वो किया, तो यहाँ पे फ्लॉप बोलती है डिस्कशन तो अलग चीज है लेकिन फील हो रहा है ना, मेरे को फील हो रहा है। तो मतलब क्या फील हो रहा है तुझे, क्या हो रहा है तुझे, हो क्या रहा है, बैठे बैठे क्या फील हो रहा है इसको पता नहीं। तो फिर ये मेरे लिए और शहनाज के लिए बहुत डिसगस्टिंग चीज है, ऐसे बोलती है अब्दुल्ला। तो शी इज यूजिंग शहनाज इन हर सेल्फ इन द सेम सेंटेंस, दिस इज अ वेरी क्लेवर गेम अब्दुल्ला प्लेड। ओके ओके फिर ये बेडरूम में यहाँ पे सिद्धार्थ लेटा हुआ है, ब्रो उधर लेटा, इफ यू सी ब्रो छोड़ता ही नहीं है, ब्रो पकड़ा हुआ है उसको, ही हैज टू गिव इट बैक, वो टास्क में हारा, ही कुड नॉट टेक इट, उसको ईगो पे आ गई थी, ही हैज टू गिव इट बैक टू सिद्धार्थ पीरियड। ओके सो यहाँ पे कुछ हुआ टास्क में और टीम टीम ही यू नो ये कुछ हो जाता है टास्क, वो अब्दुल्ला को बोलता है कुछ हो जाता है टास्क में और ये मुझे बोलता है कि तू तू टीम चेंज कर ले। तो फिर से पोकिंग पोकिंग पोकिंग, अब्दुल्ला यहाँ पे शहनाज को पोक कर रही है, ब्रो यहाँ पे सिद्धार्थ को पोक कर रहा है, फिर मतलब ये पूरा इनका फिर से सिद्धार्थ उसको बोलता है यू नो ब्रो को बोलता है कि तू तू अगर मुझे हाथ लगाएगा तो मैं तुम तू मुझे छू, डोंट डोंट यू नो टच मी, उंगलियां मत दिखा और समथिंग लाइक दैट। सो अब्दुल्ला ये सब देख रही है बेड पे बैठ के और खुश है कि चलो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, शी वाज हैप्पी
काटा और यू नो चिरकुट आके बैठ जाते हैं काउच पे, बस उनको एक लाइक पॉपकॉर्न की कमी थी, और बैठ जाते हैं वो बीच में जो यू नो बेडरूम में बीच में जो काउचेस होते हैं वहां पे बैठ गए। तो सिद्धार्थ बोलता है मुझे पता है मतलब ये बहुत लंबा जाता है, ये कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा जाता है, और बोलता है कि मुझे कौन कहाँ पे खड़ा है दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, पहले से दिख रहा है। तो यू नो वो बोलता यू नो ब्रो बोलता है कि तू तो हमें कुछ नहीं बताता, वी नो, हम उसकी सच्चाई जानते हैं, ये पूरा शहनाज पे डाल रहे हैं, हम उसकी रियलिटी जानते हैं, लेकिन तू उसको क्यों एंटरटेन कर रहा है। तो ही सेड मैं तेरी रियलिटी भी जानता हूँ अच्छे से, वो तो हम दोनों में झगड़ा करवा रही है, इज वॉट ब्रो सेज, ओके, वो झगड़ा करवा रही है शहनाज। और यहाँ पे बोलते हैं ओ या ओके, तो उसने करा दिया झगड़ा, अभी क्या, ऐसे बोलता है। सो ही जस्ट चैलेंजेस हिम बैक। ओके सो ये हम पूरा स्किप करते हैं, ये रामलाल मोमो और इनकी लव स्टोरी चल रही है, और मोमो एकदम क्यूट एक्ट कर रही है, उसको भी अपना आगे बढ़ाना है, उसको भी कनेक्शन दिखाना है, बिकॉज रावण भी उसके कान में वो रावण ने बोलता है बोला कि है ना। आओ हाँ कि अपना अपना दिखाओ, अपना रोमांस दिखाओ, तो हम उसको स्किप करते हैं। सो ओके सो यहाँ पे न्यू चुगली गैंग है, पहले चुगली गैंग कौन था, मच्छर और मोमो थे, अभी यहाँ पे नया चुगली गैंग कौन है, फ्लॉप, चिरकुट और कांटा मैडम। ओके सो यहाँ पे फ्लॉप बोलती है कि अब्दुल्ला पूरा पंप दे रही है और सिद्धार्थ को पंप दे रही है वाला फलाना फलाना। तो कांटा बोलती है, ये पूरे अब्दुल्ला के वर्ड्स है ओके, जो कांटा बोलती है बेसिकली कि ब्रो अपसेट है जब से शहनाज और सिद्धार्थ इकट्ठे हुए हैं, लाइक व्हेन दे गॉट बैक सिंस द पैच अप, कि ब्रो ट्रस्ट नहीं करता, ये पूरा अब्दुल्ला के वर्ड्स है। ये OMG भी वही बोलती है, ये भी यही बोल रही है, और बिकॉज ब्रो डजंट ट्रस्ट शहनाज। तो फ्लॉप बोलती है कि हाँ पूरी लड़ाई शहनाज ने करवाई थी, बेसिकली जो सवेरे वो किचन वाली लड़ाई और ये सब पूरी लड़ाई शहनाज ने करवाई थी, ये लोग तो बस सती सावित्रियां, ये लोग इनको तो कुछ पता नहीं है, ये अभी बस स्कूल से बाहर ही आए हैं, मम्मी ने यू नो टिफिन डब्बा लाइक बांध के दिया है, बस ये लोग अभी सीख ही रहे हैं सब कुछ, शहनाज ही सब कर रही है जो कर रही है। और पूरा शिप पुट्स द होल ब्लेम ऑन शहनाज, एंड और यहाँ पे अब्दुल्ला बैठ के आग डालती आग आग लगाती है ये पूरे लड़ाई में ऐसे, बट हमें अच्छा नहीं लगता ना ये आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे बोलती है वो। ओके तो आई ओके विल से वन थिंग, हाँ वो यार ये तीनों जन जस्ट ट्राइंग टू मैच देयर व्यू पॉइंट्स यहाँ पर, कि इन कंपेयरिंग दोनों के नोट्स। झगड़े में, हाँ कंपेयरिंग नोट्स, ये तीनों के झगड़े में आपकी क्या राय है, आप लोग किस तरफ जबकि हो? हाँ तो हम किसको साइड कर, हम किसका साथ दे अभी। वेरी गुड पॉइंट, या तो इस ये कन्वर्सेशन का वही कंक्लूजन है कि उन लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब हम किसके साइड जाए, आसन की तरफ, सॉरी ब्रो की तरफ या सिद्धार्थ की तरफ। हाँ एंड वहां पे वो लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि सिट की प्रायोरिटी में शहनाज हमेशा रहेगी, सो वी हैव टू डिसाइड कि अगर सिट की साइड जा रहे हैं तो हमको शहनाज को भी झेलना है। हाँ तो ये सब इनकी डिस्कशन यहाँ चल रही थी कि अब व्हाट्स द नेक्स्ट मूव। या यहाँ वीवो कॉर्डर पे रामलाल और मोमो की कॉन्वर्सेशन है। यूजुअली मैं किसी के लैंग्वेज पे कुछ नहीं बोलती, बट यहाँ पे ये मोमो इतनी जो बनती है ना उतनी है नहीं वो, वो दे आर ट्राइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश बट उनको बिग बॉस पोक नहीं करते। यहाँ पे वो बोलती है, मेरे को इसका एनालॉजी समझाओ स्नेहा, मुझे पूरा अच्छे से नहीं पता, वो बोलती है कि बाम्बू मेरा लगने वाला है, मतलब क्या है? मेरी वाट लगने वाली है, अच्छा ओके ओके
मुझे वो वो नहीं बोलती पता। है रामलाल को सबके सामने कि उसका वही था ना कि मैं सीनियर एक्टर हूँ, मैंने इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, तो यू कहीं हैव एन भी इमेज और मेरी, व्हाटएवर। हाँ हाँ आई हैव एन इमेज, तुम्हारा तो कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला, तुमको कौन जानता है तो तुमको हाँ सिर्फ मेरी तरफ से सोचना है, खुद के बारे में कुछ नहीं सोचना है योर जॉब नंबर वन इज मी। हाँ हाँ तुमको सिर्फ मेरे लिए लाया गया है, तुम मेरी प्रॉक्सी हाँ हो बस, सही है। उससे ज्यादा तुम ज्यादा सोचो मत, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ हाँ ये तो पक्का प्रॉक्सी था दोनों टाइम। हाँ तो यहाँ पे वो पूरा ब्लेम बेसिकली रामलाल पे डाल के वो निकल जाती है वहां से व्हाटएवर। फिर गुस्सा होके ये इनका अलग ही पता नहीं क्या कुछ रोमांटिक एंगल ट्राई कर रहे थे, बट वो ट्राई कर रहे थे इसीलिए मतलब बहुत ही इट वाज सो क्रिंज। तो बेडरूम में यहाँ पे सब लोग सो रहे थे और रामलाल OMG बातें कर रहे थे और रामलाल उसको पैसिफाई करता है, सपोजिटली क्यूट मोमेंट और व्हाटएवर, लेट्स इग्नोर दैट। फिर लाइक बेडरूम में ऑलमोस्ट एवरीबडी स्लीपिंग, मसला, रावण, मासी और रामलाल। OMG पूरा ड्रेसअप होके मेकअप वेकअप करके वो भी मस्त सो रही है और सीधा जस्ट आके लेटा है तो वो कुकड़कू यू नो बजता है और बाहर मोमो और चिरकुट बात कर रहे हैं लिविंग रूम में। तो यहाँ पर लाइक बिग बॉस अनाउंस करते हैं और बोलते हैं कि मोमो को कि सबको बाहर ले आओ जो लोग सो रहे हैं अंदर बेडरूम में। तो सब लोग बाहर आते हैं। आई थिंक बिग बॉस भी नहीं चाहते थे इनमें से कोई कैप्टन कोई बने। कैप्टन बने बिग बॉस इज लाइक ये लोग पूरा पूरा कचरा कर देंगे घर का, फिर बोलेगा हमको फिर हाँ लोगों को पूरा भेजना बंटा पड़ता धार कर साफ देंगे शो करने। का। गो अहेड सॉरी स्नेहा गो अहेड। नहीं नहीं वो ही था, बिकॉज भी चाहते थे नहीं चाहते थे लोग, बिकॉज ही नो नोबडी इज केपेबल नोबडी इज एंड केपेबल। एंड एग्जैक्ट सबसे बड़ी हाइट तो मसला की, जब मैं कैप्टन बनूंगी ना तब मैं दिखाऊंगी, शी वाज सो हैप्पी ओवर हियर कि बस हाँ अब तो मैं ही कैप्टन, बिकॉज अगर मैं मेरा नाम दूं तो सब लोग पीछे हट जाएंगे। इसके लिए वो मासी को भी इतना मस्का लगा रही थी कि अगर मैं खड़ी रहूं तो तू भी मुझे ही सपोर्ट करना, मुझे ही कैप्टन हाँ बनाना, तो एंड दिस वाज लाइक स्लैप ऑन द फेस कि बस हो गया, उठो अभी नींद ओ से जाग जाओ। मैन अच्छी बजाई बिग बॉस ने। वो बेसिकली बोलता है, बेसिकली बिग बॉस आउटलाइंस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैप्टन एंड बेसिकली सेज कि आप लोगों में वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो हम ये कैप्टनसी कंटेंडरशिप खारिज करते हैं। और अनाउंस करते हैं इसको लाइक काटा को कि आपकी कैप्टनसी भी खत्म हो जाती है, चाबियां वापस रख दीजिए। थैंक यू फॉर प्लेइंग, यू आर गुड, यू आर डन। सो यहाँ पे दही के ऊपर चर्चा, गुजराती में बातें करते हैं अपनी काटा और मोमो और दही के ऊपर। मुझे ये पॉइंटलेस लगा बट स्नेहा अगर आपको कुछ इफ यू पिक्ड ना अप ना 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 समथिंग टेल मी। दे आर टॉकिंग इन गुजराती एंड ऑल, बिग बॉस बार बार उसको टोक रहे हैं, यहाँ हाँ पे नहीं बता बट सकता कुछ है कि और लो था कितने इसका चिंदी मुद्दा चोर थे। नहीं, कितने चिंदी चोर थे जो दही चिंदी के डब्बे पे चोरा। लड़े। हाँ वो तो पता चल गया बट मुझे लगा कुछ और चल रहा था लाइक अंडर कवर कुछ बातें कर रहे थे। मुझे नहीं नहीं, लगा नहीं। दही का वो डब्बा लोग छोटा गुजराती डब्बा में अधिक डब्बे। मोमो को गुजराती ऑडियंस भी तो चाहिए थी, शी हैज एक्टेड इन वन गुजराती मूवी आल्सो, तो अब ओके वो हाँ तो इसके लिए वो गुजराती में बातें हो रही थी। ओके 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 वाह। हाँ सी आई हैडन्ट थॉट अबाउट दैट। ओके या मोमो ओके को गुजराती यूज करना, मराठी यूज करना बीच बीच में, हाँ वही है टू मराठी प्ले विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, बिकॉज हाँ यू नो मुंबई इज लाइक, मुंबई में बहुत सारे गुजरातीज हैं, महाराष्ट्रियंस हैं, हाँ तो उस वजह से उनको कैच करना जरूरी है ना, तो इसलिए गुजराती में एंड मराठी में बातें किया जा रहा था। एंड शी आई मीन जैसे मैंने कहा कि उसने एक आधा कोई गुजराती मूवी में एक्टिंग भी की है। अच्छा तो शी वॉज अपीलिंग टू दैट ऑडियंस। स्मार्ट ओके आई डिडंट थिंक अबाउट दैट, दैट्स गुड या गुड विद पॉइंट। टॉकिंग इन दैट लैंग्वेज इज ओनली अपीलिंग इन दैट लैंग्वेज। मुझे पता है गुजरातीज बहुत सेंटीज होते अच्छा ओके ओके हैं ऑसम।
ओके यहाँ पे मोमो आके थोड़ा सिंपथी भी खाती है, लाइक साला सब लोग सिंपथी ले रहा है, मैं क्यों नहीं लूँ। तो ये लोग वीवो पे रामलाल चिरकुट OMG और मोमो सब लोग बैठे हैं बाहर, और मोमो आके वो कांटा पे वो करती है, गालियां देती है कांटा को कि ये वो। तो भाव बोलती है ए गाली मत दे भाई के सामने, मत दे अच्छा नहीं लगता है ऐसे, मतलब कि अब वो सबका मसीहा बन गया है चिरकुट। और फिर यहाँ पे मोमो बनी क्यूट बेटी और यहाँ पे बोलती है सॉरी ऐसा पाउट वाउट करके। आई एम लाइक डूड यू हैव टू वर्क हार्डर ऑन योर एक्टिंग, यू कैन नॉट यू नो पुल ऑफ अ क्यूट लुक एट ऑल बाय एनी स्ट्रेच। अच्छा यहाँ पे काउच पे ये तो एक अनसीन है जो कट किया गया, अब्दुल्ला पीछे बाबू जरा बच के रे जोर जोर से गा रही है, पता नहीं उसकी माइक का वॉल्यूम हमेशा ऑन क्यों रहता था बिग बॉस वाले भी ना। यहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज बहुत क्यूटली बात कर रहे हैं गॉसिप तो सिद्धार्थ बोलता है जब लोग लड़ाई लड़ाइयां करते हैं आपको कैसा फील होता है, तो बोलती है प्राउड फील होता है। प्राउड क्यों फील होता है, तो बोलती है क्योंकि मैं प्राउड ही हूँ। ओह माय गॉड दैट्स द क्यूटेस्ट। और वो अनसीन भी उसके बाद वो जब बात करते हैं वो या एपिसोड में नहीं दिखाया गया था बट अनसीन था जहाँ पे वो बात कर रहे हैं मैंने तो आपको नौकरों की तरह काम करते हुए काम करते देखा देख, मैं घर की मालकिन हूँ। इतने में अब्दुल्ला आती है तो बोलती है टॉपिक चेंज कर, टॉपिक चेंज कर। टॉपिक वो अभी आएगी, वो अभी इधर आएगी तो उस हम कुछ और बातें करेंगे। मतलब दिस इज ए स्निपेट ऑफ द काइंड ऑफ गेम दे प्लेड। ओके दिस इज हाउ दे प्लेड द गेम, दिस इज हाउ मतलब दिस इज हाउ दे या ये लोग ऐसी नहीं है मास्टरमाइंड्स बट तो वो आके पूरा चढ़ी जाती है सिद्धार्थ पे कि क्या बातें हो रही थी, और उसके कपड़े भी एक अलग तरीके से थे उस दिन अब्दुल्ला के। व्हाटएवर चलो मूविंग ओ ऑन। माय गॉड, अब्दुल्ला का कपड़ा मत बोलो उस दिन का। ओ उस दिन का, उसके नेक्स्ट डे के अनसीन्स तो भाई साहब मतलब वो सैटिन के कपड़े नाइट का सूट पहन के वो वीवो चेयर पे बैठ, ओ माय गॉड शी सो क्रिंज एंड सो डेस्परेट, एंड उसको लगा वो कूल है और ये है, ओ माय गॉड शी इज नेक्स्ट लेवल। बहुत बहुत ही चिंदीपना करती है वो। ओके तो यहाँ पे काटा हो रही, खाने पे मुद्दा चोरी करते हो ये करते हो, मतलब वो अपने आप को महान बना रही है। तो यहाँ पे मोमो बोलती है मैं क्यों पीछे हटू, हाँ वही वही खाना हम यू नो बचा के तुम लोगों को खिलाते हैं। मैंने कहा कब खिलाया, पूरे पहले पड़ाव में तो पूरा खाने पे मुद्दा ही था इनका, खाने चोरिया करते थे लाइक मोमो OMG आके उसकी रोटियां लेके जाती थी, रोटियां चोरी कर रही है स्नेक्स एंड लैडर वीक में। हम लाइक ये लोग किस किस को खिलाया ये लोगों ने, मुझे तो याद नहीं है। ओके अरे उसका खाना सड़ जाता था, फेंक देते थे, और लेकिन किसी को खिलाती नहीं थी वो। खिलाती नहीं थी वो दही, कांटा दही उसके सूटकेस में रखने जाती है, दही फ्रिज के बाहर कैसे रहता है यार, मतलब ये लोग अंडे चीज दही ये लोग फ्रिज के बाहर कैसे रखते थे मुझे समझ नहीं आता है। मतलब वुडंट इट जस्ट बिकॉज यू आर इन अ सेंट्रल हाँ उन एसी इट लोगों, डजंट मीन एनीथिंग। वो उनको कौन समझाएगा, उनको लगता है कि सेंट्रल एसी घर है तो दही कहीं खराब नहीं होगा। बट दैट जब इज वो स्टूपिड। जो पैक दही होता है, अब देखो अगर उसको एक दिन भी तुम बाहर रखो वो बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स बिकॉज डू वो नॉट ऑलरेडी इन हैव अ या वो शेल्फ लाइफ। ऑलरेडी थोड़ी प्रोसेस्ड होता है उसमें। वो लोग कुछ तो करते होंगे ना उसको प्रोसेस करने के लिए तो, लेकिन एंड वो लोग कितने दिन की वो चीज वो पराठे में लगा के खाते। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड दैट वाज डिस, पता नहीं उसमें मोल्ड भी आ गया होगा शायद, इन्होंने देखा नहीं होगा वो मोल्ड वाले पर, वो डिसगस्टिंग। ओके अच्छा तो काउच पे शहनाज बैठ के उसका एक सेल्फ टॉक होता है और वो बोलती है कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे अभी खुश रहना है, आई वॉन्ट टू बी कम्फर्टेबल, नाउ वी आर बैक, आवर फ्रेंडशिप इज गुड, और नाउ मतलब वो बोलती है कि आज मुझे वो खराब नहीं करनी है, सबके पीछे पड़ के मैं उसको खराब नहीं करूंगी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। और वो बोलती है कि सब लोग उसको कैसे ताने मार रहे हैं कि तुम वो नहीं रही, तुम पहले जो थी वो नहीं रही, ये पूरा ब्रो और यू नो खेसारी जो उसको पोक कर रहे हैं।
उसके बारे में बोलती है और वो बोलती है कि आई लव माई सेल्फ. सो दैट वॉज अ वेरी गुड सेल्फ टॉक शी डिड टू हर सेल्फ, सेल्फ एफर्मेशन जिसको बोलते हैं. दैट्स वन थिंग आई लर्न फ्रॉम हर, एफर्मेशन देना खुद के, खुद सेल्फ लव जो बोलते हैं. और दैट वॉज अ गुड, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो, हाउ शी डिड दैट एंड शी वॉजेंट अफ्रेड और शी वॉजेंट हेजिटेंट टू शेयर दैट. उसको पता है कैमरास चल रहे हैं, तो उसने वो बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा वो. वो ओके ये चीज हमको सबको सीखनी चाहिए टू हाँ, मोटिवेट आवर सेल्फ फर्स्ट. आर सेल्फ्स एग्जैक्टली. एंड शी डिड दैट एंड शी डज दैट, शी डज दैट, शी राइजेस एवरी टाइम शी फॉल्स, शी राइजेस ऑन हर ओन, ऑन हर ओन. शी इज अमेजिंग, अमेजिंग. उसको किसी की जरूरत नहीं है उस तरह से, यू नो, लाइक शी इज ब्यूटिफुल. और वो जो सिद्धार्थ बोलता है ना, बी योर वर्जन ऑफ योरसेल्फ नॉट देयर. हाँ इसने सिर्फ इसी ने अप्लाई किया पूरे सीजन में कि शी बी अप्लाई हर किया वर्जन. वो पहले से थी यार, मुझे शहनाज वैसी नहीं लगती बट है वो, शी इज बट शी या टुक इट वेरी सीरियसली दिस सीरियसली. हाँ सेंटेंस. हाँ मे बी या बट वो उसको ऑफ कोर्स मतलब गेम में तो सिद्धार्थ से कॉन्फिडेंस मिलती थी, बट वो जो एज अ इंडिविजुअल शी इज ब्यूटिफुल. मतलब लाइक व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर वाली बंदी है ये. मतलब शी इज लाइक यू नो, करेज, स्ट्रेंथ, ग्रेस, बहुत ब्यूटीफुल शी माइंड पर्सोनिफाइड ऑल दोज. एवरीथिंग. या या एंड ये सेल्फ लव लोग बोलते हैं उससे सुनने के बाद, ये बाकी जो सेलिब्रिटीज हैं अपने आप को सेल्फ लव घंटा, इनको सेल्फ लव की डेफिनेशन भी नहीं पता है ये लोग जैसे बोलते हैं. जो शहनाज है वो शी वॉक्स द टॉक, वो है सेल्फ लव है उसमें. एंड आई लर्न दैट फ्रॉम हर, दैट एफर्मेशन, सेल्फ एफर्मेशन, शी इज ब्रिलियंट. ओके, बाहर अभी सबको मिर्ची लगी है कि उनके कैप्टेंसी की दावेदारी खारिज हो गई है, तो सब अब एक के ऊपर एक यू नो भड़ास निकाल रहे हैं. रामलाल, चिरकुट, सब क्राई बेबीज बाहर बैठे हैं. अब्दुल्ला, काटा, रावण, मसला और ब्रो, सब लोग बाहर बैठे हैं. और बेसिकली यू नो लाइक मासी इज वेंटिंग कि उसका, सब लोग सोते हैं मैं अकेला नहीं सोता हूँ, ये वो. तो यहाँ पे उसको लगा कि यू नो चिरकुट को लगा कि वो उसको अटैक कर रहा है या जो भी. तो फिर यहाँ पे अब्दुल्ला आके बोलती है कि 15 मिनट मैं भी सोई, और गाना इसीलिए तीन तीन बार बजता है ताकि उठाए. मेरा मेरा पसंद का गाना नहीं था तो मैं नहीं उठता हूँ. तो यू नो ये फालतू फालतू. एनीवे आई एम गोना स्किप ऑल दिस. तो बेसिकली सबको मिर्ची लगी है कि वो कैप्टेंसी की दावेदारी खारिज हो गई है. ओके, यहाँ पे भाऊ का पहले से ही था यू नो मासी के साथ यू नो 36 का आंकड़ा. और यहाँ पे अब्दुल्ला आके कुछ आग लगाने की यू नो कोशिश करती है, तो उसको यू नो चिटपुट बोलता है तू तू फटेले में टांग मत अड़ा. तो बोलती है हाँ हाँ कल मैं और शेफाली भी यही बात कर रहे थे, ऐसे वैसे चालू करती है. वो बहुत लाती है कांटा को बीच में, मैं और शेफाली में ऐसे बहुत बार बोलती है. और वो चिरकुट पे लॉन्च हो जाती है बेसिकली. मुझे बोला गया था मैं वीक, पता नहीं वो कहीं और ही चली गई. उसको लगा उसको फुटेज उसको मिल गया, अभी कैमरास उस पे है, तो उसने खा लिया 5 मिनट की फुटेज. तो बोलती है हाँ मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे सब पता है. मैं सब लोगों ने मुझे कंफ्यूज कंफ्यूज बोला, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ. वहां पे ब्रो को बोला जाता है वो चमचा है. आई एम लाइक ये कहाँ से आ गया. वो सबको लाती थी उसके आटे में. और मैं तो बेसिकली यहाँ पे ब्रो आके बोलता है कि तू तू मेरा क्या ला रही है इसके बीच में, डोंट डोंट ब्रिंग मी हियर. और बहुत मतलब बहुत चिकम चिकी होती है वो वीवो कॉर्नर पे. यहाँ पे लाइक मासी स्मोकिंग रूम से बाहर आता है और मोमो और ओएमजी, मोमो उसको बोलती है ओएमजी के साथ लाइक बैठी होती है, स्माइल करके मासी से पूछते क्या किया तूने. मतलब
ये भी एक साइलेंट वाला वो चल रहा है इनका, कुछ एलाइज बनाने की कोशिश हो रही है. यहाँ पे अपना नया चुगली गैंग बन रहा है, राइट? फ्लॉप और काटा और चिरकुट. यहाँ पे देखना काटा और ब्रो कैसे बैठे हुए हैं. बहुत ही एक उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया है. मैं वो बोलूंगी, आप लोग अपना जाके देखना. बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, क्लोज कनेक्शन बन गया है इनका, और बहुत ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ वो लोग. यहाँ पे बेसिकली राधिका, आई विल टॉक टू यू ऑन ऑफलाइन, देयर इज वन अनसीन इन दिस. हाँ, आई रिमेम्बर दैट. इससे पहले ही है जो दे आर लाइंग ऑन द ग्रास ना. या देर इज एन अनसीन ऑफ ब्रो एंड एंड काटा. काटा लगा. ब्रो इज शर्टलेस, आई थिंक वो लाइक वर्कआउट करके ग्रास पे लेटा हुआ है. और ये तो दिखाया गया है अनसीन, आप अच्छा देख लो. दिखा है. हाँ हाँ अनसीन है तो दिखाया गया है, राइट? इट्स नॉट अच्छा लाइक हम हाँ स्पेक्यूलेट कर रहे हैं. और यहाँ पे बेसिकली यू नो काटा उसको हक करके लेटी हुई है ऑन द ग्रास एंड दिस मैन इज शर्टलेस बेसिकली. ओके चिरकुट की सो दोगलापंदी देखो, उसको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. वो कभी काटा नहीं लगा नहीं को नहीं टोका उसने ये सब चीजों में. नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. एग्जैक्टली ये अच्छा, वही तो कह रही हूँ. इनका बहुत क्लोज कनेक्शन, ट्रस्टिंग वाला कनेक्शन बन गया था एक दूसरे के साथ. ओके सो सो नया चुगली गैंग बैठ के बातें कर रहे हैं. तो यू नो चिरकुट बोलता है कि हाँ अभी उसको लग रहा है, क्या उसकी क्या शादी करवा दी अब्दुल्ला और मासी के लिए बोलता है, इनकी शादी क्या करवा दी, अभी तो ये सीरियसली ले रही है, उसका प्यार लग रहा है और सब वो 16 सोमवार वगैरह किया, अभी उस सब के बीच में आ रही है. वो हमेशा दो लोगों के बीच में आती है. तो यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि अभी उस पर भरोसा करने का नहीं है. नहीं, हु सेइंग मदर, मदर कुछ नहीं था इसमें, कोई मदर वाली फीलिंग नहीं थी. मदर ऐसे शर्टलेस लड़के के साथ शादीशुदा किसी और के साथ शादी हुई है और एक शर्टलेस लड़के के प्लीज साथ नेशनल टेलीविजन पे. प्लीज मम्मी मत बनाओ उसको, प्लीज. दैट्स जस्ट टेक्स इट टू अनदर लेवल. ओके सो बेडरूम में बातें हो रही है फ्लॉप, काटा और ब्रो की. ब्रो बोल रहा है हमारी लड़ाई 48 डेज बाद हुई है, 48-49 डेज बाद हुई है. तो यहाँ पे काटा और फ्लॉप पंप दे रहे हैं बेसिकली कि हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. और यू नो काटा बोलती है हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो गलत है तू सही है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे. ब्रो बोलता है हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट वो सुन ही नहीं रहा है मेरी बात. ओके सो ओके यहाँ पे अब्दुल्ला, शहनाज और सिद्धार्थ क्लास रूम में बैठे हैं. तो अब्दुल्ला बोल रही है नजर लग गई है इसको, मुझे लगता है सिद्धार्थ को नजर लग गई है. यू नो झगड़े हो रहे हैं इसके सबके साथ यहाँ ये पे. मम्मी है यहाँ पर. यहाँ नहीं, यहाँ पर ये पूरा हफ्ता चिपकी रही, इतने सारे अनसीन्स हुए. अब्दुल्ला मोमेंट हमें, अब्दुल्ला का क्यों वी आर स्कार्ड फॉर लाइफ, बिकॉज वो सिद्धार्थ के क्विल्ट में, सिद्धार्थ के बेड में, शहनाज के साइड में घुसी रहती थी. इसीलिए मैडम जी के कंबल में कोई नहीं घुसता, बिकॉज उसने मौका ही नहीं दिया. उसने खुद के बेड पे वो कभी थी ही नहीं, वो किसी और के कंबल में रहती थी हमेशा. तो उसके कंबल में कौन आके जाएगा, कौन आएगा, मतलब उसने किसी को मौका ही नहीं दिया. तो ये पूरा हफ्ता वो वही कर रही थी. ओके सो ये क्लास रूम में बोलता है. तो सिद्धार्थ शहनाज को पूछता है कि क्यों हो रही है लड़ाइयाँ, क्या क्या हुआ हम लोगों के बीच में, हम चारों के बीच में. तो शहनाज फिर बोल अब्दुल्ला बोलती है आई डोंट नो, आई डोंट नो, पूरा आग लगा के आई डोंट नो, मतलब घासलेट का डब्बा भी छोड़कर आई है वो, अभी बोलती है आई डोंट नो. ओके बिकॉज शी वॉन्ट्स टू हियर कि शहनाज क्या बोलती है. शहनाज सीधा बोलती है कि उसको लाइक ब्रो को नई कंपनी मिल गई है, अब्दुल्ला चेंज हो गई है जब से वो कैप्टन बनी है. वो सीधा पॉइंट टू पॉइंट बोलती है, शेरनी है वो सच्ची में, वो डरती नहीं है किसी से.
और वो सीधा बोलती है कि वो चेंज हो गई है अब्दुल्ला. शी इज लाइक हाँ मैं चेंज हो गई हूँ. एंड लुक एट द वे अब्दुल्ला सिट्स, हर बॉडी लैंग्वेज, द वे शी सिट्स ऑन द चेयर, देयर इज नो लेडी लाइक, देयर इज नो ग्रेस. द वे शी सिट्स इज सो डिसगस्टिंग. लड़कियां ऐसे नहीं, मतलब पता नहीं, लड़के लड़कियां, आई डोंट नो, आई जस्ट डिडंट लाइक हर हर पोस्चर. इट वाजंट पोस्चर वेरी वाज वेरी वेरी डर्टी. वेरी बैड, वेरी बैड. हर पोस्चर वाज वेरी बैड. That just shows. These are like a few things. वो अपने आप को dignified और पता नहीं. Everyone is so judgmental and so full of double standards. and you see Shehnaz. इसीलिए I find Shehnaz royalty man. वो जैसे class style में बैठती है, मतलब so she's so put together. Really, मतलब beautiful. She's amazing. Sorry, sorry for the distraction. और फिर वो बोलती है, शहनाज बोलती है कि कहीं ना कहीं मैं भी एक रीजन हूँ ब्रो के लिए. उसको नहीं अच्छा लगता है कि मैं सिद्धार्थ के साथ वापस आ गई. और यहाँ पर सिद्धार्थ बोलता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है. एंड ही सेज कि मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सबसे महान हूँ, बट वो कहता है कि मेरे थिंकिंग का कोई नहीं है यहाँ पे. एंड ही मेक्स अ पॉइंट देयर. ओके, सो लग्जरी टास्क का अनाउंस होता है. दिस इज द लास्ट पार्ट एंड देन वी'ल बी डन. लग्जरी टास्क का अनाउंस होता है. बेसिकली टीम वन इज सिद्धार्थ, काटा, फ्लॉप, रामलाल, ब्रो, शहनाज और चिरकुट. अब्दुल्ला को उस तरफ डालते हैं. मोमो, रावण, मसला, अब्दुल्ला, OMG, मासी और खिसारी. सिर्फ रामलाल और बेसिकली रामलाल और अब्दुल्ला का शिफ्ट होता है इस टाइम. ओके, और बेसिकली वो टास्क ये होता है कि घर बनाना है और पेपर्स के साथ वो पेंट करने हैं. एक येलो घर है, एक ब्लू घर है. येलो घर सिद्धार्थ लोगों का होता है और ब्लू घर वो लोगों का होता है, मोमो और वो लोगों का. ये बनाना है कि घर जिसका बन जाए वो पेपर से आगे पीछे वो फ्रेम को लगाना है. दैट्स इट. एंड यू कैन स्टॉप द अदर टीम. और बजर बजते ही जिसका भी घर सबसे ज्यादा बनता है उनको पूरा वो लग्जरी आइटम्स जितने भी रखे हुए हैं वो सब मिलेंगे. ओके, सो गार्डन बेड पे देखना, जो सवेरे अब्दुल्ला चीखे मार रही थी फ्लॉप की स्टार पे, आपको कुछ पता है ये है, आपको कुछ नहीं पता है तो आप कुछ मत बोलिए. यहाँ पे वो फुल ऑन हग करके, शी वाज हगिंग फ्लॉप की स्टार वेरी टाइटली ऑन द गार्डन बेड. ओके, टास्क शुरू होता है. यहाँ पे शहनाज और चिरकुट बस बातें डांस कर रहे हैं या मस्ती जो कर रहे कर हैं. रहे हैं. और बस दे ऑल स्टार्टेड टू पेंट एंड डूइंग देयर थिंग. और वीवो चेयर पे बैठी है अपनी मसला डेलिकेट बेबी. और सिद्धार्थ उनकी टीम की तरफ आके देखता है कि वो लोग कैसे बना रहे हैं उनका डोर या जो भी. तो यहाँ पे फिर से मसला ट्राई करती है पोक करने का सिद्धार्थ को. ओके, कि आप हटिए यहाँ से, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये वो. तो यहाँ पे फिर वो नहीं हटता है. थोड़ी देर बाद वो अपने आप निकल जाता है और रावण उसको वहां से खींचता है कि तू उसको पोक मत कर ऐसे. तो मसला का ईगो हर्ट होता है और मसला उसको फिर से बोलती है कि देख सब लोग इतने जज्बे से खेल रहे हैं, तेरे पास टीम तेरे में स्पिरिट, वो जज्बा ही नहीं खेलने तेरे का. में जज्बा ही नहीं है. तो ये ईगो क्लैश होता है दोनों में. तो यहाँ पे देख, इससे पता चलता है कि पारस ने बहुत संभाला है मसला को अपनी गेम आगे बढ़ाने के लिए और मसला ने बहुत अच्छे से यूज किया है. ये दोनों प्रॉक्सी हो सकते हैं या अंदर जाके प्रॉक्सी बने एक दूसरे के. तो फिर रावण एक स्ट्रेटजी बोलता है और मासी को बोलता है कि तू पेंट स्प्लैश कर दे. होल्ड ऑन. हाँ, तू पेंट स्प्लैश कर दे सिद्धार्थ के टीम केस पे. और यहाँ पे ब्रो शहनाज को बोलता है कि कुछ कांड करते हैं और शहनाज बेसिकली आके उनके पेपर्स करती है. दैट्स ऑल शी डज. शी वांट्स टू एंड यू कैन डू दैट. शी इज नॉट सपोज टू डू बिकॉज दो लोग चूज किए गए थे. आई डोंट थिंक शहनाज वाज पार्ट ऑफ दोज टू पीपल. बट शी जस्ट, ब्रो बोलता है चल कुछ कर. तो वहीं पे एपिसोड खत्म होता है.
और मुझे जाना है अभी, बट एपिसोड एंड हुआ, ये डे 46 खत्म हुआ अमन, सो 45-46 हुआ अभी। कल हम बेसिकली ये मसला और रावण का जेल टास्क, और ये बाकी ये जो OMG का OMG हो गया बे वो वाला सीन, और फिर वी कैन आवार, आई थिंक वी कैन डू ऑल दैट। लाइव वाह, जबरदस्त लाइव! आज का इवनिंग का लाइव सबसे लॉन्गेस्ट लाइव हुआ है के 10 बजने वाले इंडिया में। हाँ वे भी 11:30 हो गए अमन। चलो चलो बाय, मैं कुछ खाना बाय, वाना या खाओ मैं भी। बाय, 3 घंटे हो गए, खा चलो लिया चल खाना, आप चलो, लोग कर लें खा लें। थैंक यू ठीक अमन, है, थैंक यू चलो सो बाय। मच, थैंक बाय यू राधिका, एवरीवन, थैंक बाय यू फॉर ऑल द एवरीवन, कमेंट्स। या बाय। बाय। बहुत ही प्यारा था। अगर आपको लाइव अच्छा लगा होप आप सभी को आज का लाइव पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे लाइव पसंद आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको कैसे लगते हैं। आजकल देख रहा हूँ कम कमेंट करते हो आप सभी, सो कमेंट करो तो पता चले कि कौन कौन हमारा लाइव सुन रहा है। ठीक है, सो कनेक्ट रहिए, ऐसे ही हम लोग हमेशा बातें करते रहेंगे हमेशा। ठीक है, और YouTube लाइव